2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की लीड कास्ट में बनी हुई, जिसके सपोर्ट कर रहे पृथ्वीराज सुकुमार, मानुषी और सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी अली अब्बास जफर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों, आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए वेट कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर के बारे में। काफ़ी लंबे वक्त से बड़े मियाँ छोटी मियाँ के बारे में चर्चा हो रखा था, और दोस्तों पहली बार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ कोलैबोरेशन पर काम कर रहे हैं, जिसके ऑपोजिट रोल में, जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज सुकुमार, जिन्होंने सलार मूवी के अंदर एज ऑपोजिट रोल एज ए विलन के कैरेक्टर में वो उतर आए थे, इस टाइम भी वो एज ए नेगेटिव रोल नजर आ रहा है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए। दोस्तों काफ़ी लंबी वक्त हो चुका था मूवी के प्रीमियर को लेकर, और दोस्तों काफ़ी सारे लोग को इस तरह की मूवीज़ भी देखना था और हिंदी सिनेमा की ये सब मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। आज की वीडियो उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है, जिन जिन लोगों ने इस मूवी को हिंदी पर प्रीमियर पर देखना पसंद कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे, वो सब लोग के लिए ये वीडियो सबसे खास होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके बताना मत भूलिए, ताकि दोस्तों हम आप सभी को इस मूवी के रिलीज के बारे में जानकारी करवाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी और वन ऑफ द फाइनेस्ट कहानी के साथ बनी हुई ये मूवी के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए, ताकि दोस्तों आप सभी को हम बताएंगे कि मूवी के प्रीमियर के साथ बड़े मियाँ छोटी मियाँ की हिंदी प्रीमियर, इस मूवी के रिलीज और इस मूवी के अपकमिंग डेट में रिलीज और ये मूवी के प्रीमियर के बारे में। दोस्तों काफ़ी लंबी वक्त हो चुका है, जो कि टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार के साथ कोलैबोरेशन पर मूवी आने की बात चल रहा था, पर दोस्तों लोगों को ये सब मूवी देखने को नहीं मिल रहा था। कुछ लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे दोनों की कोलैबोरेशन पर मूवी आएगी या नहीं, और मूवी के प्रीमियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे भी हो रखा था। दोस्तों रिलीज प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ के चर्चे होना काफ़ी अच्छी बात बनती भी है। और दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखी हो, मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में, जो कि इस मूवी के यूट्यूब प्रीमियर पर और OTT रिलीज पर थिएटर रिलीज के बाद भी कर देंगे। और दोस्तों ये मूवी के रिलीज प्रीमियर क्या होगा और इस मूवी से जुड़ी सारी की सारी अपडेट आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों आपसे भी बता दें, April 9 पर इस मूवी को रिलीज करने वाले हैं थिएटर पर। दोस्तों इस मूवी का बजट 200 करोड़ से भी ज़्यादा के बजट पर इस मूवी को बनाया गया है। मूवी प्रीमियर के साथ इस मूवी के चार्जे भी इतना ज़्यादा हो रखा है कि दोस्तों लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इस मूवी से, इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन करना काफ़ी बड़ी बात रहती है। और दोस्तों मूवी प्रीमियर के साथ हम आप सभी को बता चुके हैं कि ऑलरेडी काफ़ी सारी मूवी के रिलीज़ के साथ इन मूवीज़ के बारे में चर्चा भी हो रखा था, और रिलीज प्रीमियर के साथ आप सभी को ये मूवी भी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए, ताकि दोस्तों अच्छी खासी हिंदी सिनेमा की मूवी आप सभी को आसानी से भी देखने को मिल जाए। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक थ्रिलर एक्शन मूवी, जिसको बजट 200 करोड़ के आसपास पर इस मूवी के बजट को बनाया गया है, जिसके बजट को लेकर लोग जो काफ़ी ज़्यादा चौंक चुके हैं मूवी के प्रीमियर और इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों काफ़ी बड़ी और काफ़ी एक्साइटिंग स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी के साथ लोग भी ज़्यादा इंतजार कर रहे थे नई मूवी प्रीमियर के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों को ये सब मूवी देखना है, इस तरह की मूवी सिनेमा के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट टाइम मूवी प्रीमियर के साथ आप सभी को इस तरह की मूवी भी देखने को मिल रहा था। 2024 पर April 9 पर इस मूवी को प्रीमियर कर दिया जाएगा, तो कि दोस्तों ये मूवी के प्रीमियर के साथ रिलीज और मूवी की कहानी के बारे में काफ़ी सारे चर्चे हो रखा था। एक थ्रिलर मूवी जो हाल ही में फाइटर जब रिलीज हुआ, उसके साथ लोगों को काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था। फाइटर मूवी एक सक्सेसफुल मूवी बन चुका है, उसके साथ पहली बार कोलैबोरेशन पर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ काम करने के रीजन से इस मूवी को लोग देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर पर इंतजार करने के सबसे बड़े रीजन्स मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में चर्चे और इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट ही सबसे ज़्यादा आगे आता है। और दोस्तों हम भी दोस्तों आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी और अच्छी खासी मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार करवाएंगे, और वो सब मूवी भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा वीडियो प्रीमियर के साथ, और काफ़ी सारी नई मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ आप सभी को अच्छी खासी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। फर्स्टली टाइम दोस्तों बॉलीवुड पर कुछ मूवीज़ रिलीज में आए थे, तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उन मूवीज़ के चर्चे उतना खास नहीं हुआ था जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, उससे कम ही रह गया था मूवी के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कह लो या फिर आप। और दूसरी बात, क्योंकि दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इन मूवीज़ के चार्जे भी इतना ज़्यादा हो रखा था, रिलीज फिल्म के साथ मूवीज़ के बारे में कहानी और अपडेट भी काफ़ी ज़्यादा मिल गया था।
हम आप सभी को बताएंगे अपकमिंग डेज में आने वाली अब काफ़ी सारी बेहतरीन और सिनेमा की मूवी के बारे में, जो कि रिलीज करने के साथ उनकी कहानियाँ भी दोस्तों काफ़ी बड़ी हो गई है। और दोस्तों आप सभी को बता दें, अक्षय कुमार ने पहली बार टाइगर श्रॉफ के साथ कोलैबोरेशन पर काम करने वाले हैं, जिसके प्रीमियर के बारे में लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो कि 200 करोड़ के बजट पर बनाया गया। इस मूवी को अप्रैल 9 पर थिएटर रिलीज करेंगे दोस्तों। OTT प्रीमियर इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर पर भी रिलीज़ करवाएंगे। अली अब्बास जफर, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस कर चुकी है, अली अब्बास जफर ने इससे पहले सुल्तान 2016 की सबसे पॉपुलर मूवी और 2019 की भारत, 2017 की टाइगर जिंदा है जैसी मूवी को इन्होंने ही डायरेक्ट किया था, जिनमें से 2023 की जो कि वेब मूवी ब्लडी डैडी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। इतनी पॉपुलर मूवी के डायरेक्टर के साथ इन्होंने इस टाइम बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो कि एक बेहतरीन जो कि 90s की मूवीज़ के नाम से इन्होंने एक्शन थ्रिलर मूवी को हायर कर रहे हैं, और उन्होंने बता रहे हैं कि इस टाइम इन्होंने बड़ी मूवी को हाथ रखे है, जिसके प्रीमियर के साथ लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना है, तो दोस्तों आप लोगों ने लाइक करिए और बताइए अपकमिंग डेज में आने वाले इस मूवी को देखने के लिए कौन कौन लोग ज़्यादा एक्साइटेड है। दोस्तों इस मूवी के प्रीमियर के साथ आप सभी को कौन सी मूवी देखना है आप हमें कमेंट करना मत भूलिए। तो दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ सर की कुछ मूवीज बैक टू बैक फ्लॉप होने के बाद इस टाइम अक्षय कुमार ने उनको लेकर बड़ी मूवी अली अफज जबर ने इतनी हाईएस्ट बजट के साथ मूवी को बनाया, जो कि इस मूवी के बजट ही दोनों ही एक्टर को पेड करने में लगा है, जिसकी रीजन से थ्रिलर मूवी भी सबसे ज़्यादा बजट पर बना है। और इस टाइम जो कि इतने लंबे वक्त के बाद बड़े एक्टर्स को एक ही साथ लेके आना और इन मूवीज़ के प्रीमियर पर रिलीज़ कर देना काफ़ी बड़ी बात रहती है। और दोस्तों हम आप सभी को बता दें, दोस्तों इस मूवी के सबसे बड़ी चांसेस और रिलीज फिल्म के साथ बात ये मूवी के किरदार और इस मूवी के कहानी की रीजन से सोनाक्षी सिन्हा को भी इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में लेके आया है। काफ़ी लंबे वक्त के बाद सोनाक्षी सिन्हा को मूवीज़ के अंदर आप देख पा रहे हो, उनकी कुछ मूवीज़ रिलीज़ में आने के बावजूद भी उतना ज़्यादा खास नहीं चल रहे थे और उनकी मूवीज़ के ऑफ़र भी कम आने लगे थे, जिसके रीज़न से सोनाक्षी सिन्हा की मूवी कम हो रहे थे। हम आप सभी को बता दें, अली अब्बास जफर जिन्होंने टाइगर जिंदा है सुल्तान जैसी ऑल टाइम हाइएस्ट रिकॉर्ड मूवी को बनाया है, जिसके रीज़न से बड़े मियाँ छोटे मियाँ जब प्रीमियर करेंगे अप्रैल 9 पर, इस मूवी को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों आपसे बता दें, इस मूवी को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज करेंगे। यशराज फिल्म्स और PVR इनवॉक्स पिक्चर्स ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, सिनेमाग्राफिकर मैरकिन लैक्विंस ने किया है, और इस मूवी के अंदर दोनों एक्टर की लीड कास्टिंग इक्वल रहेगी। जी हाँ दोस्तों, एक थ्रिलर मूवी होने के रीजन से इस मूवी के अंदर हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी कहानी कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों पिछले टाइम रिलीज फिल्म के साथ इन मूवीज़ के सबसे ज़्यादा चर्चा होने के सबसे बड़े रीजंस मूवी की कहानी रही थी, और मूवी कहानी कॉन्सेप्ट के साथ मूवी को प्रीमियर कर दिया जा रहा है। बड़े मियाँ छोटी मियाँ जब अप्रैल 9 पर रिलीज़ कर दिया जाएगा, उसी वक्त से मूवी के नई कहानी कॉन्सेप्ट भी अपडेट में आया जाएगा और लोगों को अच्छी खासी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। आप हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए, मूवी प्रीमियर के साथ हम आप सभी को बड़ी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी प्रीमियर करवाएंगे। और दोस्तों अक्षय कुमार ने हेरा फेरी की तीसरी सीजन के लिए फाइनल शूटिंग कंप्लीट करवा चुके हैं, और इन्होंने 2024 के अप्रैल पर इस मूवी की लीड कास्टिंग के बाद एंडिंग तक उनको हीरा फेरी की तीसरी सीक्वल देखने को मिल जाएगा। बैक टू बैक मूवी फ्लॉप के बाद उन्होंने उतनी खास बड़ी मूवी के अंदर काम करना ही छोड़ दिया था, जैसे कि लोगों ने एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके साथ नई मूवी के प्रीमियर के लिए, पर दोस्तों ये सब बात रुक चुका है। और बैक टू बैक उन्होंने एक साल के अंदर 10 मूवी करने के रीजन से उनकी मूवीज़ को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतना खास रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। हम आप सभी को बताना चाहेंगे दोस्तों, बड़े मियाँ छोटी मियाँ जो कि रिलीज प्रीमियर के साथ इस मूवी के एक्शन थ्रिलर सीन्स और ट्रेलर की जो TRP इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके रीज़न से लोग इस मूवी के हिंदी प्रीमियर पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस मूवी के किरदार को लोग इंतजार कर सकते हैं। इसकी बड़ी बात इस मूवी की हिंदी प्रीमियर की सबसे बड़ी बात है, ऑलरेडी रिलीज हुई गोविंदा और अमिताभ बच्चन की कास्टिंग पर बनी हुई एक पुलिस की मूवी रही थी, पर दोस्तों ये कुछ अलग ही किरदार पर बनने वाली रीमेक मूवी नहीं है। इस मूवी की कहानी कुछ अलग ही किरदार पर बनने वाली रहेगी है और लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए। दोस्तों मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप लोगों ने इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी के हिंदी सिनेमा के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ईद पर इस मूवी को रिलीज़ करने के बाद चल रहे थे और फिर भी अपडेट और काफ़ी सारे लोग इस तरह के मूवी प्रीमियर के लिए भी इंतज़ार कर रहे हैं। हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहेंगे मूवी प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ को दिखाने के लिए और रिलीज़ प्रीमियर के साथ ये सब मूवी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रखा है। पूजा एंटरटेनमेंट्स और
काफ़ी सारे प्रोड्यूसर लोग ने इस मूवी को प्रीमियर कर दिया जा चुका है, और ऑफिशियली इस मूवी को जब प्रीमियर कर दिया जाएगा तभी इस मूवी के चर्चे इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस टाइम हिंदी सिनेमा की ये सब मूवी देखने को मिलना और इस तरह की मूवीज़ के बारे में चर्चा होना काफ़ी अच्छी बात ही है कि दोस्तों मूवी लवर्स के लिए इस टाइम इतनी खास और इतनी अच्छी मूवी देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आप सभी को ये सिनेमा की मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है जो ईद पर रिलीज करने के बाद चल रहे थे। बाद में दोस्तों इस मूवी के बारे में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी आए और इस मूवी के जब टीजर को रिलीज़ कर दिया इतनी बड़ी एक्साइटिंग स्टोरी कंसेप्ट बेस्ड मूवी बन चुकी है। दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों को ये मूवी फुल एचडी पर देखना है, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो सबसे पहले आप सभी को होने वाला है। और इतनी बड़ी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी के साथ आप सभी को ये मूवी देखने को मिल रहा है जिसका सबसे बड़ी श्रेय और इस मूवी के रिलीज के रीज़न जाता है इस मूवी के कास्टिंग को ही, और इस मूवी के कास्टिंग जो इतने बड़े एक्टर्स को एक साथ कोलैबोरेशन पर लेकर बनाया है जो कि लोग इस मूवी को देखकर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने 500 करोड़ से भी ज़्यादा के कलेक्शन जरूर करेगा। काफ़ी सारे लो बजट मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 400 करोड़ से भी ज़्यादा के कलेक्शन देखने के बाद लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टेलर देखकर ही लग रहा है लोगों को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में सर बड़े मियाँ छोटी मियाँ हिंदी प्रीमियर फुल मूवी लेकर कमेंट करना मत भूलिएगा। 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जी हाँ दोस्तों अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की लीड कास्टिंग बनी हुई जिसके सपोर्ट कर रहे पृथ्वीराज सुकुमार, मानुषी और सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ दोस्तों 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी अली अब्बास जफर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए वेट कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर के बारे में। काफ़ी लंबे वक्त से बड़े मियाँ छोटी मियाँ के बारे में चर्चा हो रखा था और दोस्तों पहली बार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ कोलैबोरेशन पर काम कर रहे हैं जिसके ऑपोजिट रोल में, जी हाँ दोस्तों पृथ्वीराज सुकुमार जिन्होंने सलार मूवी के अंदर एज ऑपोजिट रोल एज ए विलन के कैरेक्टर में वो उतर आए थे, इस टाइम भी वो एक नेगेटिव रोल नज़र आ रहा है जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए। दोस्तों काफ़ी लंबी वक्त हो चुका था मूवी के प्रीमियर को लेकर और दोस्तों काफ़ी सारे लोग को इस तरह के मूवीज़ भी देखना था और हिंदी सिनेमा की ये सब मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। आज की वीडियो उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इस मूवी को हिंदी पर प्रीमियर पर देखना पसंद कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे, वो सब लोग के लिए ये वीडियो सबसे खास होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करके बताना मत भूलिए ताकि दोस्तों हम आप सभी को इस मूवी के रिलीज़ के बारे में जानकारी करवाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी और वन ऑफ द फाइनेस्ट कहानी के साथ बनी हुई ये मूवी के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए ताकि दोस्तों आप सभी को हम बताएंगे कि मूवी के प्रीमियर के साथ बड़े मियाँ छोटी मियाँ की हिंदी प्रीमियर, इस मूवी के रिलीज़ और इस मूवी के अपकमिंग डेट में रिलीज़ और ये मूवी के प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों काफ़ी लंबी वक्त हो चुका है जो कि टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार के साथ कोलैबोरेशन पर मूवी आने की बात चल रहा था, पर दोस्तों लोगों को ये सब मूवी देखने को नहीं मिल रहा था। कुछ लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे दोनों की कोलैबोरेशन पर मूवी आएगी या नहीं और मूवी के प्रीमियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे भी हो रखा था। दोस्तों रिलीज़ प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ के चर्चे होना काफ़ी अच्छी बात बनती भी है। और दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखी हो, मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में जो कि इस मूवी के यूट्यूब प्रीमियर पर और OTT रिलीज़ पर थिएटर रिलीज़ के बाद भी कर देंगे। और दोस्तों ये मूवी के रिलीज़ प्रीमियर क्या होगा और इस मूवी से जुड़ी सारी की सारी अपडेट आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों आपसे भी बता दें 9 अप्रैल पर इस मूवी को रिलीज़ करने वाले हैं थिएटर पर। दोस्तों इस मूवी का बजट 200 करोड़ से भी ज़्यादा के बजट पर इस मूवी को बनाया गया है। मूवी प्रीमियर के साथ इस मूवी के चर्चे भी इतना ज़्यादा हो रखा है कि दोस्तों लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इस मूवी से, इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन करना काफ़ी बड़ी बात रहती है। और दोस्तों मूवी प्रीमियर के साथ हम आप सभी को बता चुके हैं कि ऑलरेडी काफ़ी सारी मूवी के रिलीज़ के साथ इन मूवीज़ के बारे में चर्चा भी हो रखा था और रिलीज़ प्रीमियर के साथ आप सभी को ये मूवी भी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिए ताकि दोस्तों अच्छी खासी हिंदी सिनेमा की मूवी आप सभी को आसानी से भी देखने को मिल जाए। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक थ्रिलर एक्शन मूवी जिसको बजट 200 करोड़ के आसपास पर इस मूवी के बजट को बनाया गया है, जिसके बजट को लेकर लोग जो काफ़ी ज़्यादा चौंक चुके हैं मूवी के प्रीमियर और इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों काफ़ी बड़ी और काफ़ी एक्साइटिंग स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी के साथ लोग भी
ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे नई मूवी प्रीमियर के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों को ये सब मूवी देखना है, इस तरह की मूवी सिनेमा के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट टाइम मूवी प्रीमियर के साथ आप सभी को इस तरह की मूवी भी देखने को मिल रहा था। 2024 पर अप्रैल 9 पर इस मूवी को प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो कि दोस्तों ये मूवी के प्रीमियर के साथ रिलीज़ और मूवी की कहानी के बारे में काफ़ी सारे चर्चे हो रखा था। एक थ्रिलर मूवी जो हाल ही में फाइटर जब रिलीज हुआ उसके साथ लोगों को काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था। फाइटर मूवी एक सक्सेसफुल मूवी बन चुका है, उसके साथ पहली बार कोलैबोरेशन पर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ काम करने के रीज़न से इस मूवी को लोग देखने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। इस मूवी की हिंदी प्रीमियर पर इंतज़ार करने के सबसे बड़े रीजन्स मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में चर्चे और इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट ही सबसे ज़्यादा आगे आता है। और दोस्तों हम भी दोस्तों आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी और अच्छी खासी मूवी के प्रीमियर के लिए इंतज़ार करवाएंगे और वो सब मूवी भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा वीडियो प्रीमियर के साथ। और काफ़ी सारी नई मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ आप सभी को अच्छी खासी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम दोस्तों बॉलीवुड पर कुछ मूवीज़ रिलीज में आए थे, तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उन मूवीज़ के चर्चे उतना खास नहीं हुआ था जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, उससे कम ही रह गया था मूवी के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कह लो या फिर आप। और दूसरी बात, क्योंकि दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इन मूवीज़ के चार्ज भी इतना ज़्यादा हो रखा था, रिलीज फिल्म के साथ मूवीज़ के बारे में कहानी और अपडेट भी काफ़ी ज़्यादा मिल गया था। हम आप सभी को बताएंगे अपकमिंग डेज में आने वाली अब काफ़ी सारी बेहतरीन और सिनेमा की मूवी के बारे में, जो कि रिलीज फिल्म के साथ उनकी कहानियाँ भी दोस्तों काफ़ी बड़ी हो गई है। और दोस्तों आप सभी बता दें अक्षय कुमार ने पहली बार टाइगर श्रॉफ के साथ कोलैबोरेशन पर काम करने वाले हैं, जिसके प्रीमियर के बारे में लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो कि 200 करोड़ के बजट पर बनाया गया। इस मूवी को अप्रैल 9 पर थिएटर रिलीज करेंगे दोस्तों। OTT प्रीमियर इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर पर भी रिलीज़ करवाएंगे। अली अब्बास जफर, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस कर चुकी है, अली अब्बास जफर ने इससे पहले सुल्तान 2016 की सबसे पॉपुलर मूवी और 2019 की भारत, 2017 की टाइगर जिंदा है जैसी मूवी को इन्होंने ही डायरेक्ट किया था, जिनमें से 2023 की जो कि वेब मूवी ब्लडी डैडी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। इतनी पॉपुलर मूवी के डायरेक्टर के साथ इन्होंने इस टाइम बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो कि एक बेहतरीन जो कि 90s की मूवीज़ के नाम से इन्होंने एक्शन थ्रिलर मूवी को हायर कर रहे हैं और उन्होंने बता रहे हैं कि इस टाइम इन्होंने बड़ी मूवी को हाथ रखे है, जिसके प्रीमियर के साथ लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना है, तो दोस्तों आप लोगों ने लाइक करिए और बताइए अपकमिंग डेज में आने वाले इस मूवी को देखने के लिए कौन कौन लोग ज़्यादा एक्साइटेड है। दोस्तों इस मूवी के प्रीमियर के साथ आप सभी को कौन सी मूवी देखना है आप हमें कमेंट करना मत भूलिए। तो दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ सर की कुछ मूवीज़ बैक टू बैक फ्लॉप होने के बाद इस टाइम अक्षय कुमार ने उनको लेकर बड़ी मूवी अली अफज जबर ने इतनी हाईएस्ट बजट के साथ मूवी को बनाया, जो कि इस मूवी के बजट ही दोनों ही एक्टर को पेड़ करने में लगा है, जिसके रीज़न से थ्रिलर मूवी भी सबसे ज़्यादा बजट पर बनाया है। और इस टाइम जो कि इतने लंबे वक्त के बाद बड़े एक्टर्स को एक ही साथ ले के आना और इन मूवीज़ के प्रीमियर पर रिलीज़ कर देना काफ़ी बड़ी बात रहती है। और दोस्तों हम आप सभी को बता देते हैं दोस्तों, इस मूवी के सबसे बड़ी चांसेस और रिलीज फिल्म के साथ बात ये मूवी के किरदार और इस मूवी के कहानी के रीजन से सोनाक्षी सिन्हा को भी इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में लेके आया है। काफ़ी लंबे वक्त के बाद सोनाक्षी सिन्हा को मूवीज़ के अंदर आप देख पा रहे हो, उनकी कुछ मूवीज़ रिलीज में आने के बावजूद भी उतना ज़्यादा खास नहीं चल रहे थे और उनकी मूवीज़ के ऑफर भी कम आने लगे थे, जिसके रीजन से सोनाक्षी सिन्हा की मूवी कम हो रहे थे। हम आप सभी को बता दें अली अब्बास जफर जिन्होंने टाइगर जिंदा है सुल्तान जैसी ऑल टाइम हाईएस्ट रिकॉर्ड मूवी को बनाया है, जिसके रीजन से बड़े मियाँ छोटे मियाँ जब प्रीमियर करेंगे अप्रैल 9 पर, इस मूवी को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आपसे बता दें इस मूवी को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज कर देंगे। यशराज फिल्म्स और PVR इनवर्क्स पिक्चर्स ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, सिनेमाग्राफी और मैरकिंस लैक्विंस ने किया है और इस मूवी के अंदर दोनों एक्टर की लीड कास्टिंग इक्वल रहेगी। जी हाँ दोस्तों, एक थ्रिलर मूवी होने के रीजन से इस मूवी के अंदर हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी कहानी कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों पिछली टाइम रिलीज प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ के सबसे ज़्यादा चर्चे होने के सबसे बड़े रीजंस मूवी की कहानी रही थी और मूवी कहानी कॉन्सेप्ट के साथ मूवी को प्रीमियर कर दिया जा रहा है। बड़े मियाँ छोटी मियाँ जब अप्रैल 9 पर रिलीज़ कर दिया जाएगा, उसी वक्त से मूवी के नई कहानी कॉन्सेप्ट भी अपडेट में आया जाएगा और लोगों को अच्छी खासी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। आप हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए मूवी प्रीमियर के साथ हम आप सभी को बड़ी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी प्रीमियर करवाएंगे। और दोस्तों अक्षय कुमार ने हेरा फेरी की तीसरी सीजन के लिए फाइनल शूटिंग कंप्लीट करवा चुके हैं और इन्होंने
2024 के अप्रैल पर इस मूवी की लीड कास्टिंग के बाद एंडिंग तक उनको हीरा फेरी की सीक्वल देखने को मिल जाएगा। बैक टू बैक मूवी फ्लॉप के बाद उन्होंने उतनी खास बड़ी मूवी के अंदर काम करना ही छोड़ दिया था, जैसे कि लोगों ने एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके साथ नई मूवी के प्रीमियर के लिए। पर दोस्तों ये सब बात रुक चुका है और बैक टू बैक उन्होंने एक साल के अंदर 10 मूवी करने के रीज़न से उनकी मूवीज़ को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतना खास रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि दोस्तों बड़े मियाँ छोटी मियाँ जो कि रिलीज प्रीमियर के साथ इस मूवी के एक्शन थ्रिलर सीन्स और ट्रेलर की जो TRP इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके रीज़न से लोग इस मूवी की हिंदी प्रीमियर पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस मूवी के किरदार को लोग इंतजार कर सकते हैं। इसकी बड़ी बात इस मूवी की हिंदी प्रीमियर की सबसे बड़ी बात है, ऑलरेडी रिलीज हुई गोविंदा और अमिताभ बच्चन की कास्टिंग पर बनी हुई एक पुलिस की मूवी रही थी, पर दोस्तों ये कुछ अलग ही किरदार पर बनने वाली रीमेक मूवी नहीं है। इस मूवी की कहानी कुछ अलग ही किरदार पर बनने वाली रहेगी है और लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए। दोस्तों मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप लोगों ने इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी के हिंदी सिनेमा के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ईद पर इस मूवी को रिलीज़ करने के बाद चल रहे थे और फिर भी अपडेट और काफ़ी सारे लोग इस तरह के मूवी प्रीमियर के लिए भी इंतज़ार कर रहे हैं। हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहेंगे मूवी प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ को दिखाने के लिए और रिलीज़ प्रीमियर के साथ ये सब मूवी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रखा है। पूजा एंटरटेनमेंट्स और काफ़ी सारे प्रोड्यूसर लोग ने इस मूवी को प्रीमियर कर दिया जा चुका है और ऑफिशियली इस मूवी को जब प्रीमियर कर दिया जाएगा तभी इस मूवी के चर्चे इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस टाइम हिंदी सिनेमा की यह सब मूवी देखने को मिलना और इस तरह की मूवीज़ के बारे में चर्चा होना काफ़ी अच्छी बात ही है कि दोस्तों मूवी लवर्स के लिए इस टाइम इतनी खास और इतनी अच्छी मूवी देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आप सभी को यह सिनेमा की मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है जो ईद पर रिलीज़ करने के बाद चल रहे थे। बाद में दोस्तों इस मूवी के बारे में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी आए और इस मूवी के जब टीचर को रिलीज़ कर दिया, इतनी बड़ी एक्साइटिंग स्टोरी कंसेप्ट बेस्ड मूवी बन चुकी है। दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों को ये मूवी फुल HD पर देखना है, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो सबसे पहले आप सभी को होने वाला है और इतनी बड़ी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी के साथ आप सभी को ये मूवी देखने को मिल रहा है, जिसका सबसे बड़ी श्रेय और इस मूवी के रिलीज़ के रीज़न जाता है इस मूवी के कास्टिंग को ही और इस मूवी के कास्टिंग जो इतने बड़े एक्टर्स को एक ही साथ कोलैबोरेशन पर लेकर बनाया है, जो कि लोग इस मूवी को देखकर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने 500 करोड़ से भी ज़्यादा के कलेक्शन जरूर करेगा। काफ़ी सारे लो बजट मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 400 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन देखने के बाद लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्रेलर देखकर ही लग रहा है लोगों को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में सर बड़े मियाँ छोटी मियाँ हिंदी प्रीमियर फुल मूवी लेकर कमेंट करना मत भूलिएगा। 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जी हाँ दोस्तों अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की लीड कास्ट में बनी हुई, जिसके सपोर्ट कर रहे पृथ्वीराज सुकुमार, मानुषी और सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ दोस्तों 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी अली अब्बास जफर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए वेट कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर के बारे में। काफ़ी लंबे वक्त से बड़े मियाँ छोटी मियाँ के बारे में चर्चे हो रखा था और दोस्तों पहली बार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ कोलैबोरेशन पर काम कर रहे हैं, जिसके ऑपोजिट रोल में जी हाँ दोस्तों पृथ्वीराज सुकुमार, जिन्होंने सलार मूवी के अंदर एज अ ऑपोजिट रोल एज अ विलन के कैरेक्टर में वो उतर आए थे, इस टाइम भी वो एज अ नेगेटिव रोल नजर आ रहा है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए। दोस्तों काफ़ी लंबी वक्त हो चुका था मूवी के प्रीमियर को लेकर और दोस्तों काफ़ी सारे लोग को इस तरह के मूवीज़ भी देखना था और हिंदी सिनेमा की ये सब मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। आज की वीडियो उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इस मूवी को हिंदी पर प्रीमियर पर देखना पसंद कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे, वो सब लोग के लिए ये वीडियो सबसे खास होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके बताना मत भूलिए, ताकि दोस्तों हम आप सभी को इस मूवी के रिलीज के बारे में जानकारी करवाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी और वन ऑफ द फाइनेस्ट कहानी के साथ बनी हुई ये मूवी के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए, ताकि दोस्तों आप सभी को हम बताएंगे कि मूवी के प्रीमियर के साथ बड़े मियाँ छोटी मियाँ की हिंदी प्रीमियर, इस मूवी के रिलीज और इस मूवी के अपकमिंग डेट में रिलीज और ये मूवी के प्रीमियर के बारे में। दोस्तों काफी लंबी वक्त हो चुका है जो कि टाइगर श्रॉफ और
अक्षय कुमार के साथ कोलैबोरेशन पर मूवी आने की बात चल रहा था, पर दोस्तों लोगों को ये सब मूवी देखने को नहीं मिल रहा था। कुछ लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे दोनों की कोलैबोरेशन पर मूवी आएगी या नहीं, और मूवी के प्रीमियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे भी हो रखा था। दोस्तों रिलीज प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ के चर्चे होना काफ़ी अच्छी बात बनती भी है। और दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखी हो, मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में, जो कि इस मूवी के YouTube प्रीमियर पर और OTT रिलीज पर थिएटर रिलीज के बाद भी कर देंगे। और दोस्तों ये मूवी के रिलीज प्रीमियर क्या होगा और इस मूवी से जुड़ी सारी की सारी अपडेट आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों आपसे भी बता दें, अप्रैल 9 पर इस मूवी को रिलीज करने वाले हैं थिएटर पर। दोस्तों इस मूवी का बजट 200 करोड़ से भी ज़्यादा के बजट पर इस मूवी को बनाया गया है। मूवी प्रीमियर के साथ इस मूवी के चार्ज भी इतना ज़्यादा हो रखा है कि दोस्तों लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इस मूवी से इतनी बड़ी। एक्सपेक्टेशन करना काफ़ी बड़ी बात रहती है। और दोस्तों मूवी प्रीमियर के साथ हम आप सभी को बता चुके हैं कि ऑलरेडी काफ़ी सारी मूवी के रिलीज़ के साथ इन मूवीज़ के बारे में चर्चे भी हो रखा था, और रिलीज प्रीमियर के साथ आप सभी को ये मूवी भी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए, ताकि दोस्तों अच्छी खासी हिंदी सिनेमा की मूवी आप सभी को आसानी से भी देखने को मिल जाए। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक थ्रिलर एक्शन मूवी जिसको बजट 200 करोड़ के आसपास पर इस मूवी के बजट को बनाया गया है, जिसके बजट को लेकर लोग जो काफ़ी ज़्यादा चौंक चुके हैं मूवी के प्रीमियर और इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों काफ़ी बड़ी और काफ़ी एक्साइटिंग स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी के साथ लोग भी ज़्यादा इंतजार कर रहे थे नई मूवी प्रीमियर के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों को ये सब मूवी देखना है, इस तरह की मूवी सिनेमा के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट टाइम मूवी प्रीमियर के साथ आप सभी को इस तरह की मूवी भी देखने को मिल रहा था। 2024 पर अप्रैल 9 पर इस मूवी को प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो कि दोस्तों ये मूवी के प्रीमियर के साथ रिलीज़ और मूवी की कहानी के बारे में काफ़ी सारे चर्चे हो रखा था। एक थ्रिलर मूवी जो हाल ही में फाइटर जब रिलीज हुआ, उसके साथ लोगों को काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था। फाइटर मूवी एक सक्सेसफुल मूवी बन चुका है, उसके साथ पहली बार कोलैबोरेशन पर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ काम करने के रीज़न से इस मूवी को लोग देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर पर इंतजार करने के सबसे बड़े रीजन्स मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में चर्चे और इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट ही सबसे ज़्यादा आगे आता है। और दोस्तों हम भी दोस्तों आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी और अच्छी खासी मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार करवाएंगे, और वो सब मूवी भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा वीडियो प्रीमियर के साथ। और काफ़ी सारी नई मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ आप सभी को अच्छी खासी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम दोस्तों बॉलीवुड पर कुछ मूवीज़ रिलीज में आए थे, तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उन मूवीज़ के चर्चे उतना खास नहीं हुआ था जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, उससे कम ही रह गया था मूवी के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कह लो या फिर आप। और दूसरी बात, क्योंकि दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इन मूवीज़ के चर्चे भी इतना ज़्यादा हो रखा था, रिलीज प्रीमियर के साथ मूवीज़ के बारे में कहानी और अपडेट भी काफ़ी ज़्यादा मिल गया था। हम आप सभी को बताएंगे अपकमिंग डेज में आने वाली अब काफ़ी सारी बेहतरीन और सिनेमा की मूवी के बारे में, जो कि रिलीज प्रीमियर के साथ उनकी कहानियाँ भी दोस्तों काफ़ी बड़ी हो गई है। और दोस्तों आप सभी बता दें, अक्षय कुमार ने पहली बार टाइगर श्रॉफ के साथ कोलैबोरेशन पर काम करने वाले हैं, जिसके प्रीमियर के बारे में लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो कि 200 करोड़ के बजट पर बनाया गया। इस मूवी को अप्रैल 9 पर थिएटर रिलीज़ करेंगे दोस्तों। OTT प्रीमियर इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर पर भी रिलीज़ करवाएंगे। अली अब्बास जफर जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस कर चुकी है, अली अब्बास जफर ने इससे पहले सुल्तान 2016 की सबसे पॉपुलर मूवी और 2019 की भारत, 2017 की टाइगर जिंदा है जैसी मूवी को इन्होंने ही डायरेक्ट किया था, जिनमें से 2023 की जो कि वेब मूवी ब्लडी डैडी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। इतनी पॉपुलर मूवी के डायरेक्टर के साथ इन्होंने इस टाइम बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो कि एक बेहतरीन जो कि 90s की मूवीज़ के नाम से इन्होंने एक्शन थ्रिलर मूवी को हायर कर रहे हैं, और उन्होंने बता रहे हैं कि इस टाइम इन्होंने बड़ी मूवी को हाथ रखे है, जिसके प्रीमियर के साथ लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना है, तो दोस्तों आप लोगों ने लाइक करिए और बताइए अपकमिंग डेज में आने वाले इस मूवी को देखने के लिए कौन कौन लोग ज़्यादा एक्साइटेड है। दोस्तों इस मूवी के प्रीमियर के साथ आप सभी को कौन सी मूवी देखना है आप हमें कमेंट करना मत भूलें। तो दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ सर की कुछ मूवीज़ बैक टू बैक फ्लॉप होने के बाद इस टाइम अक्षय कुमार ने उनको लेकर बड़ी मूवी अली अफज जबर ने इतनी हाईएस्ट बजट के साथ मूवी को बनाया, जो कि इस मूवी के बजट ही दोनों ही एक्टर को पेड करने में लगा है, जिसकी रीज़न से थ्रिलर मूवी भी सबसे ज़्यादा बजट पर बनाया है। और इस टाइम जो कि इतने लंबे वक्त के बाद बड़े एक्टर्स को एक ही साथ ले के आना और इन मूवीज़ के प्रीमियर पर रिलीज़ कर देना काफ़ी बड़ी बात रहती है।
और दोस्तों हम आप सभी को बता दें दोस्तों, इस मूवी के सबसे बड़ी चांसेस और रिलीज फिल्म के साथ बात ये मूवी के किरदार और इस मूवी के कहानी क्रिजन से सोनाक्षी सिन्हा को भी इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में लेके आया है। काफ़ी लंबे वक्त के बाद सोनाक्षी सिन्हा को मूवीज़ के अंदर आप देख पा रहे हो। उनकी कुछ मूवीज़ रिलीज़ में आने के बावजूद भी उतना ज़्यादा खास नहीं चल रहे थे और उनकी मूवीज़ के ऑफ़र भी कम आने लगे थे, जिसके रीज़न से सोनाक्षी सिन्हा की मूवी कम हो रहे थे। हम आप सभी को बता दें, अली अब्बास जफर जिन्होंने टाइगर जिंदा है सुल्तान जैसी ऑल टाइम हाईएस्ट रिकॉर्ड मूवी को बनाया है, जिसके रीज़न से बड़े मियाँ छोटे मियाँ जब प्रीमियर करेंगे 9 अप्रैल पर, इस मूवी को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आपसे बता दें, इस मूवी को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज करेंगे। यशराज फिल्म्स और PVR इनवॉक्स पिक्चर्स ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाग्राफी और मैरकिन लैकुंस ने किया है और इस मूवी के अंदर दोनों एक्टर की लीड कास्टिंग इक्वल रहेगी। जी हाँ दोस्तों, एक थ्रिलर मूवी होने के रीज़न से इस मूवी के अंदर हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी कहानी कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों पिछले टाइम रिलीज फिल्म के साथ इन मूवीज़ के सबसे ज़्यादा चर्चा होने के सबसे बड़े रीजंस मूवी की कहानी रही थी और मूवी कहानी कॉन्सेप्ट के साथ मूवी को प्रीमियर कर दिया जा रहा है। बड़े मियाँ छोटी मियाँ जब 9 अप्रैल पर रिलीज़ कर दिया जाएगा, उसी वक्त से मूवी के नई कहानी कॉन्सेप्ट भी अपडेट में आया जाएगा और लोगों को अच्छी खासी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। आप हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए। मूवी प्रीमियर के साथ हम आप सभी को बड़ी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी प्रीमियर करवाएंगे। और दोस्तों अक्षय कुमार ने हीरा फेरी की तीसरी सीक्वल की फाइनल शूटिंग कंप्लीट करवा चुके हैं और इन्होंने 2024 के अप्रैल पर इस मूवी की लीड कास्टिंग के बाद एंडिंग तक उनको हीरा फेरी की तीसरी सीक्वल देखने को मिल जाएगा। बैक टू बैक मूवी फ्लॉप के बाद उन्होंने उतनी खास बड़ी मूवी के अंदर काम करना ही छोड़ दिया था, जैसे कि लोगों ने एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके साथ नई मूवी के प्रीमियर के लिए। पर दोस्तों ये सब बात रुक चुका है और बैक टू बैक उन्होंने एक साल के अंदर 10 मूवी करने के रीजन से उनकी मूवीज़ को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतना खास रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि दोस्तों बड़े मियाँ छोटी मियाँ जो कि रिलीज प्रीमियर के साथ इस मूवी के एक्शन थ्रिलर सीन्स और ट्रेलर की जो TRP इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके रीज़न से लोग इस मूवी की हिंदी प्रीमियर पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस मूवी के किरदार को लोग इंतजार कर सकते हैं। इसकी बड़ी बात इस मूवी की हिंदी प्रीमियर की सबसे बड़ी बात है, ऑलरेडी रिलीज हुई गोविंदा और अमिताभ बच्चन की कास्टिंग पर बनी हुई एक पुलिस की मूवी रही थी, पर दोस्तों ये कुछ अलग ही किरदार पर बनने वाली रीमेक मूवी नहीं है। इस मूवी की कहानी कुछ अलग ही किरदार पर बनने वाली रहेगी है और लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए। दोस्तों मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप लोगों ने इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी के हिंदी सिनेमा के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ईद पर इस मूवी को रिलीज़ करने के बाद चल रहे थे और फिर भी अपडेट और काफ़ी सारे लोग इस तरह के मूवी प्रीमियर के लिए भी इंतजार कर रहे हैं। हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहेंगे मूवी प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ को दिखाने के लिए और रिलीज प्रीमियर के साथ ये सब मूवी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रखा है। पूजा एंटरटेनमेंट्स और काफ़ी सारे प्रोड्यूसर लोग ने इस मूवी को प्रीमियर कर दिया जा चुका है और ऑफिशियली इस मूवी को जब प्रीमियर कर दिया जाएगा तभी इस मूवी के चर्चे इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस टाइम हिंदी सिनेमा की ये सब मूवी देखने को मिलना और इस तरह की मूवीज़ के बारे में चर्चा होना काफ़ी अच्छी बात ही है कि दोस्तों मूवी लवर्स के लिए इस टाइम इतनी खास और इतनी अच्छी मूवी देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आप सभी को, ये सिनेमा की मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है जो ईद पर रिलीज़ करने के बाद चल रहे थे। बाद में दोस्तों इस मूवी के बारे में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी आए और इस मूवी के जब टीजर को रिलीज़ कर दिया, इतनी बड़ी एक्साइटिंग स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड मूवी बन चुकी है। दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों को ये मूवी फुल HD पर देखना है, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो सबसे पहले आप सभी को होने वाला है और इतनी बड़ी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी के साथ आप सभी को ये मूवी देखने को मिल रहा है, जिसका सबसे बड़ी श्रेय और इस मूवी के रिलीज़ के रीज़न जाता है इस मूवी के कास्टिंग को ही और इस मूवी के कास्टिंग जो इतने बड़े एक्टर्स को एक ही साथ कोलैबोरेशन लेकर बनाया है, जो कि लोग इस मूवी को देखकर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने 500 करोड़ से भी ज़्यादा के कलेक्शन जरूर करेगा। काफ़ी सारे लो बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 400 करोड़ से भी ज़्यादा के कलेक्शन देखने के बाद लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्रेलर देखकर ही लग रहा है लोगों को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट में सर बड़े मियाँ छोटी मियाँ हिंदी प्रीमियर फुल मूवी लेकर कमेंट करना मत भूलिएगा।
2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी बड़े मियां छोटे मियां। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की लीड कास्ट में बनी हुई, जिसके सपोर्ट कर रहे पृथ्वीराज सुकुमार, मानुषी और सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी अली अब्बास जफर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों, आप लोगों में से कन कन इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए वेट कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर के बारे में। काफी लंबे वक्त से बड़े मियां छोटी मियां के बारे में चर्चे हो रखा था, और दोस्तों पहली बार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ कोलैबोरेशन पर काम कर रहे हैं, जिसके ऑपोजिट रोल में, जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज सुकुमार, जिन्होंने सलार मूवी के अंदर एज ऑपोजिट रोल एज ए विलन के कैरेक्टर में वो उतर आए थे, इस टाइम भी वो एज ए नेगेटिव रोल नजर आ रहा है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए। दोस्तों काफ़ी लंबी वक्त हो चुका था मूवी के प्रीमियर को लेकर, और दोस्तों काफ़ी सारे लोग को इस तरह के मूवीज़ भी देखना था और हिंदी सिनेमा की ये सब मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। आज की वीडियो उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है, जिन जिन लोगों ने इस मूवी को हिंदी पर प्रीमियर पर देखना पसंद कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे, वो सब लोग के लिए ये वीडियो सबसे खास होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके बताना मत भूलिए, ताकि दोस्तों हम आप सभी को इस मूवी के रिलीज के बारे में जानकारी करवाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी और वन ऑफ द फाइनेस्ट कहानी के साथ बनी हुई ये मूवी के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए, ताकि दोस्तों आप सभी को हम बताएंगे कि मूवी के प्रीमियर के साथ बड़े मियां छोटी मियां की हिंदी प्रीमियर, इस मूवी के रिलीज और इस मूवी के अपकमिंग डेट में रिलीज और ये मूवी के प्रीमियर के बारे में। दोस्तों काफ़ी लंबी वक्त हो चुका है जो कि टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार के साथ कोलैबोरेशन पर मूवी आने की बात चल रहा था, पर दोस्तों लोगों को ये सब मूवी देखने को नहीं मिल रहा था। कुछ लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे दोनों की कोलैबोरेशन पर मूवी आएगी या नहीं, और मूवी के प्रीमियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे भी हो रखा था। दोस्तों रिलीज़ प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ के चर्चे होना काफ़ी अच्छी बात बनती भी है। और दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखी हो, मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में, जो कि इस मूवी के YouTube प्रीमियर पर और OTT रिलीज पर थिएटर रिलीज के बाद भी कर देंगे। और दोस्तों ये मूवी के रिलीज प्रीमियर क्या होगा और इस मूवी से जुड़ी सारी की सारी अपडेट आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों आपसे भी बता दें, अप्रैल 9 पर इस मूवी को रिलीज करने वाले हैं थिएटर पर। दोस्तों इस मूवी का बजट 200 करोड़ से भी ज़्यादा के बजट पर इस मूवी को बनाया गया है। मूवी प्रीमियर के साथ इस मूवी के चर्चे भी इतना ज़्यादा हो रखा है कि दोस्तों लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इस मूवी से इतनी बड़ी, एक्सपेक्टेशन करना काफ़ी बड़ी बात रहती है। और दोस्तों मूवी प्रीमियर के साथ हम आप सभी को बता चुके हैं कि ऑलरेडी काफ़ी सारी मूवी के रिलीज़ के साथ इन मूवीज़ के बारे में चर्चे भी हो रखा था, और रिलीज़ प्रीमियर के साथ आप सभी को ये मूवी भी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए, ताकि दोस्तों अच्छी खासी हिंदी सिनेमा की मूवी आप सभी को आसानी से भी देखने को मिल जाए। बड़े मियां छोटे मियां एक थ्रिलर एक्शन मूवी, जिसको बजट 200 करोड़ के आसपास पर इस मूवी के बजट को बनाया गया है, जिसके बजट को लेकर लोग जो काफ़ी ज़्यादा चौंक चुके हैं मूवी के प्रीमियर और इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों काफ़ी बड़ी और काफ़ी एक्साइटिंग स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी के साथ लोग भी ज़्यादा इंतजार कर रहे थे नई मूवी प्रीमियर के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों को ये सब मूवी देखना है, इस तरह की मूवी सिनेमा के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट टाइम मूवी प्रीमियर के साथ आप सभी को इस तरह की मूवी भी देखने को मिल रहा था। 2024 पर अप्रैल 9 पर इस मूवी को प्रीमियर कर दिया जाएगा, तो कि दोस्तों ये मूवी के प्रीमियर के साथ रिलीज और मूवी की कहानी के बारे में काफ़ी सारे चर्चे हो रखा था। एक थ्रिलर मूवी जो हाल ही में फाइटर जब रिलीज हुआ, उसके साथ लोगों को काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था। फाइटर मूवी एक सक्सेसफुल मूवी बन चुका है, उसके साथ पहली बार कोलैबोरेशन पर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ काम करने के रीजन से इस मूवी को लोग देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर पर इंतजार करने के सबसे बड़े रीजन्स मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में चर्चे और इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट ही सबसे ज़्यादा आगे आता है। और दोस्तों हम भी दोस्तों आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी और अच्छी खासी मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार करवाएंगे, और वो सब मूवी भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा वीडियो प्रीमियर के साथ, और काफ़ी सारी नई मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ आप सभी को अच्छी खासी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम दोस्तों बॉलीवुड पर कुछ मूवीज़ रिलीज में आए थे, तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उन मूवीज़ के चर्चे उतना खास नहीं हुआ था जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, उससे कम ही रह गया था मूवी के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट खेलो या फिर आप। और दूसरी बात, क्योंकि दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इन मूवीज़ के चार्ज से भी इतना ज़्यादा हो रखा था, रिलीज फिल्म के साथ मूवीज़ के बारे में कहानी और अपडेट भी काफ़ी ज़्यादा मिल गया था।
हम आप सभी को बताएंगे अपकमिंग डेज में आने वाली अब काफ़ी सारी बेहतरीन और सिनेमा की मूवी के बारे में, जो कि रिलीज फिल्म के साथ उनकी कहानियाँ भी दोस्तों काफ़ी बड़ी हो गई है। और दोस्तों आप सभी बता दें, अक्षय कुमार ने पहली बार टाइगर सर के साथ कोलैबोरेशन पर काम करने वाले हैं, जिसके प्रीमियर के बारे में लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो कि 200 करोड़ के बजट पर बनाया गया। इस मूवी को अप्रैल 9 पर थिएटर रिलीज करेंगे दोस्तों। OTT प्रीमियर इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर पर भी रिलीज़ करवाएंगे। अली अब्बास जाफर, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस कर चुकी है, अली अब्बास जाफर ने इससे पहले सुल्तान 2016 की सबसे पॉपुलर मूवी और 2019 की भारत, 2017 की टाइगर जिंदा है जैसी मूवी को इन्होंने ही डायरेक्ट किया था, जिनमें से 2023 की जो कि वेब मूवी ब्लडी डैडी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। इतनी पॉपुलर मूवी के डायरेक्टर के साथ इन्होंने इस टाइम बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो कि एक बेहतरीन जो कि 90s की मूवीज़ के नाम से इन्होंने एक्शन थ्रिलर मूवी को हायर कर रहे हैं, और उन्होंने बता रहे हैं कि इस टाइम इन्होंने बड़ी मूवी को हाथ रखे है, जिसके प्रीमियर के साथ लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना है, तो दोस्तों आप लोगों ने लाइक करिए और बताइए अपकमिंग डेज में आने वाले इस मूवी को देखने के लिए कौन कौन लोग ज़्यादा एक्साइटेड है। दोस्तों इस मूवी के प्रीमियर के साथ आप सभी को कौन सी मूवी देखना है आप हमें कमेंट करना मत भूलिए। तो दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ सर की कुछ मूवीज़ बैक टू बैक फ्लॉप होने के बाद इस टाइम अक्षय कुमार ने उनको लेकर बड़ी मूवी अली अफेज जबर ने इतनी हाईएस्ट बजट के साथ मूवी को बनाया, जो कि इस मूवी के बजट ही दोनों ही एक्टर को पेड़ करने में लगा है, जिसके रीज़न से थ्रिलर मूवी भी सबसे ज़्यादा बजट पर बना है। और इस टाइम जो कि इतने लंबे वक्त के बाद बड़े एक्टर्स को एक ही साथ ले के आना और इन मूवीज़ के प्रीमियर पर रिलीज़ कर देना काफ़ी बड़ी बात रहती है। और दोस्तों हम आप सभी को बता देते हैं दोस्तों, इस मूवी के सबसे बड़ी चांसेस और रिलीज फिल्म के साथ बात ये मूवी के किरदार और इस मूवी के कहानी के रीजन से सोनाक्षी सिन्हा को भी इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में लेके आया है। काफ़ी लंबे वक्त के बाद सोनाक्षी सिन्हा को मूवीज़ के अंदर आप देख पा रहे हो, उनकी कुछ मूवीज़ रिलीज में आने के बावजूद भी उतने ज़्यादा खास नहीं चल रहे थे और उनकी मूवीज़ के ऑफर भी कम आने लगे थे, जिसके रीजन से सोनाक्षी सिन्हा की मूवी कम हो रहे थे। हम आप सभी को बता दें, अली अब्बास जफर जिन्होंने टाइगर जिंदा है सुल्तान जैसी ऑल टाइम हाईएस्ट रिकॉर्ड मूवी को बनाया है, जिसके रीजन से बड़े मियाँ छोटे मियाँ जब प्रीमियर करेंगे अप्रैल 9 पर, इस मूवी को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आपसे बता दें, इस मूवी को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज कर देंगे। यशराज फिल्म्स और PVR इनवॉक्स पिक्चर्स ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, सिनेमाग्राफिकर मैरकिन लेकुंस ने किया है, और इस मूवी के अंदर दोनों एक्टर की लीड कास्टिंग इक्वल रहेगी। जी हाँ दोस्तों, एक थ्रिलर मूवी होने के रीजन से इस मूवी के अंदर हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी कहानी कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों पिछली टाइम रिलीज फिल्म के साथ इन मूवीज़ के सबसे ज़्यादा चर्चा होने के सबसे बड़ी रीजंस मूवी की कहानी रही थी, और मूवी कहानी कॉन्सेप्ट के साथ मूवी को प्रीमियर कर दिया जा रहा है। बड़े मियाँ छोटी मियाँ जब अप्रैल 9 पर रिलीज़ कर दिया जाएगा, उसी वक्त से मूवी के नई कहानी कॉन्सेप्ट भी अपडेट में आ जाएगा और लोगों को अच्छी खासी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। आप हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए, मूवी प्रीमियर के साथ हम आप सभी को बड़ी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी प्रीमियर करवाएंगे। और दोस्तों अक्षय कुमार ने हीरा फेरी की तीसरी सीक्वल के फाइनल शूटिंग कंप्लीट करवा चुके हैं, और इन्होंने 2024 के अप्रैल पर इस मूवी की लीड कास्टिंग के बाद एंडिंग तक उनको हीरा फेरी की तीसरी सीक्वल देखने को मिल जाएगा। बैक टू बैक मूवी फ्लॉप के बाद उन्होंने उतनी खास बड़ी मूवी के अंदर काम करना ही छोड़ दिया था, जैसे कि लोगों ने एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके साथ नई मूवी के प्रीमियर के लिए। पर दोस्तों ये सब बात रुक चुका है, और बैक टू बैक उन्होंने एक साल के अंदर 10 मूवी करने के रीजन से उनकी मूवीज़ को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतना खास रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि दोस्तों बड़े मियाँ छोटी मियाँ जो कि रिलीज प्रीमियर के साथ इस मूवी के एक्शन थ्रिलर सीन्स और ट्रेलर की जो TRP इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके रीजन से लोग इस मूवी के हिंदी प्रीमियर पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस मूवी के किरदार को लोग इंतजार कर सकते हैं। इसकी बड़ी बात इस मूवी की हिंदी प्रीमियर की सबसे बड़ी बात है, ऑलरेडी रिलीज हुई गोविंदा और अमिताभ बच्चन की कास्टिंग पर बनी हुई एक पुलिस की मूवी रही थी, पर दोस्तों ये कुछ अलग ही किरदार पर बनने वाली रीमेक मूवी नहीं है। इस मूवी की कहानी कुछ अलग ही किरदार पर बनने वाली रहेगी है, और लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए। दोस्तों मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप लोगों ने इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी के हिंदी सिनेमा के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ईद पर इस मूवी को रिलीज़ करने के बाद चल रहे थे और फिर भी अपडेट और काफ़ी सारे लोग इस तरह के मूवी प्रीमियर के लिए भी इंतज़ार कर रहे हैं। हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहेंगे मूवी प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ को दिखाने के लिए, और रिलीज़ प्रीमियर के साथ ये सब मूवी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रखा है। पूजा एंटरटेनमेंट्स और
काफ़ी सारे प्रोड्यूसर लोग ने इस मूवी को प्रीमियर कर दिया जा चुका है, और ऑफिशियली इस मूवी को जब प्रीमियर कर दिया जाएगा तभी इस मूवी के चर्चे इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस टाइम हिंदी सिनेमा की यह सब मूवी देखने को मिलना और इस तरह की मूवीज़ के बारे में चर्चा होना काफ़ी अच्छी बात ही है कि दोस्तों मूवी लवर्स के लिए इस टाइम इतनी खास और इतनी अच्छी मूवी देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आप सभी को, यह सिनेमा की मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है जो ईद पर रिलीज़ करने के बाद चल रहे थे। बाद में दोस्तों इस मूवी के बारे में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी आए और इस मूवी के जब टीजर को रिलीज़ कर दिया, इतनी बड़ी एक्साइटिंग स्टोरी कंसेप्ट बेस्ड मूवी बन चुकी है। दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों को ये मूवी फुल एचडी पर देखना है, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो सबसे पहले आप सभी को होने वाला है। और इतनी बड़ी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी के साथ आप सभी को ये मूवी देखने को मिल रहा है, जिसका सबसे बड़ी श्रेय और इस मूवी के रिलीज़ के रीज़न जाता है इस मूवी के कास्टिंग को ही, और इस मूवी के कास्टिंग जो इतने बड़े एक्टर्स को एक साथ कोलैबोरेशन पर लेकर बनाया है, जो कि लोग इस मूवी को देखकर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने 500 करोड़ से भी ज़्यादा के कलेक्शन जरूर करेगा। काफ़ी सारे लो बजट मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 400 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन देखने के बाद लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्रेलर देखकर ही लग रहा है लोगों को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में सर बड़े मियाँ छोटी मियाँ हिंदी प्रीमियर फुल मूवी लेकर कमेंट करना मत भूलिएगा। 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की लीड कास्टिंग बनी हुई, जिसके सपोर्ट कर रहे पृथ्वीराज सुकुमार, मानुषी और सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ दोस्तों 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी अली अब्बास जफर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए वेट कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर के बारे में। काफी लंबे वक्त से बड़े मियां छोटी मियां के बारे में चर्चे हो रखा था, और दोस्तों पहली बार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ कोलैबोरेशन पर काम कर रहे हैं, जिसके ऑपोजिट रोल में जी हाँ दोस्तों पृथ्वीराज सुकुमार, जिन्होंने सलार मूवी के अंदर एज ऑपोजिट रोल एज ए विलन के कैरेक्टर में उतर आए थे, इस टाइम भी वो एज ए नेगेटिव रोल नजर आ रहा है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए। दोस्तों काफ़ी लंबी वक्त हो चुका था मूवी के प्रीमियर को लेकर, और दोस्तों काफ़ी सारे लोग को इस तरह के मूवीज़ भी देखना था और हिंदी सिनेमा की ये सब मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। आज की वीडियो उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इस मूवी को हिंदी पर प्रीमियर पर देखना पसंद कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे, वो सब लोग के लिए ये वीडियो सबसे खास होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके बताना मत भूलिए, ताकि दोस्तों हम आप सभी को इस मूवी के रिलीज के बारे में जानकारी करवाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी और वन ऑफ द फाइनेस्ट कहानी के साथ बनी हुई ये मूवी के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए, ताकि दोस्तों आप सभी को हम बताएंगे कि मूवी के प्रीमियर के साथ बड़े मियाँ छोटी मियाँ की हिंदी प्रीमियर, इस मूवी के रिलीज और इस मूवी के अपकमिंग डेट में रिलीज और ये मूवी के प्रीमियर के बारे में। दोस्तों काफी लंबी वक्त हो चुका है जो कि टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार के साथ कोलैबोरेशन पर मूवी आने की बात चल रहा था, पर दोस्तों लोगों को ये सब मूवी देखने को नहीं मिल रहा था। कुछ लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे दोनों की कोलैबोरेशन पर मूवी आएगी या नहीं, और मूवी के प्रीमियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे भी हो रखा था। दोस्तों रिलीज़ प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ के चर्चे होना काफ़ी अच्छी बात बनती भी है। और दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखी हो, मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में, जो कि इस मूवी के YouTube प्रीमियर पर और OTT रिलीज पर थिएटर रिलीज के बाद भी कर देंगे। और दोस्तों ये मूवी के रिलीज प्रीमियर क्या होगा और इस मूवी से जुड़ी सारी की सारी अपडेट आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों आपसे भी बता दें अप्रैल 9 पर इस मूवी को रिलीज करने वाले हैं थिएटर पर। दोस्तों इस मूवी का बजट 200 करोड़ से भी ज़्यादा के बजट पर इस मूवी को बनाया गया है। मूवी प्रीमियर के साथ इस मूवी के चर्चे भी इतना ज़्यादा हो रखा है कि दोस्तों लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इस मूवी से इतनी बड़ी, एक्सपेक्टेशन करना काफ़ी बड़ी बात रहती है। और दोस्तों मूवी प्रीमियर के साथ हम आप सभी को बता चुके हैं कि ऑलरेडी काफ़ी सारी मूवी के रिलीज़ के साथ इन मूवीज़ के बारे में चर्चे भी हो रखा था, और रिलीज़ प्रीमियर के साथ आप सभी को ये मूवी भी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिए, ताकि दोस्तों अच्छी खासी हिंदी सिनेमा की मूवी आप सभी को आसानी से भी देखने को मिल जाए। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक
थ्रिलर एक्शन मूवी जिसको बजट 200 करोड़ के आसपास पर इस मूवी के बजट को बनाया गया है, जिसके बजट को लेकर लोग जो काफ़ी ज़्यादा चौंक चुके हैं मूवी के प्रीमियर और इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों काफ़ी बड़ी और काफ़ी एक्साइटिंग स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी के साथ लोग भी ज़्यादा इंतजार कर रहे थे नई मूवी प्रीमियर के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों को ये सब मूवी देखना है, इस तरह की मूवी सिनेमा के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट टाइम मूवी प्रीमियर के साथ आप सभी को इस तरह की मूवी भी देखने को मिल रहा था। 2024 पर अप्रैल 9 पर इस मूवी को प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो कि दोस्तों ये मूवी के प्रीमियर के साथ रिलीज और मूवी की कहानी के बारे में काफ़ी सारे चर्चे हो रखा था। एक थ्रिलर मूवी जो हाल ही में फाइटर जब रिलीज हुआ उसके साथ लोगों को काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था। फाइटर मूवी एक सक्सेसफुल मूवी बन चुका है, उसके साथ पहली बार कोलैबोरेशन पर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ काम करने के रीजन से इस मूवी को लोग देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर पर इंतजार करने के सबसे बड़े रीजन्स मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में चर्चे और इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट ही सबसे ज़्यादा आगे आता है। और दोस्तों हम भी दोस्तों आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी और अच्छी खासी मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार करवाएंगे और वो सब मूवी भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा वीडियो प्रीमियर के साथ, और काफ़ी सारी नई मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ आप सभी को अच्छी खासी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। फर्स्टली टाइम दोस्तों बॉलीवुड पर कुछ मूवीज़ रिलीज में आए थे, तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उन मूवीज़ के चर्चे उतना खास नहीं हुआ था जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, उससे कम ही रह गया था मूवी के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कह लो या फिर आप। और दूसरी बात, क्योंकि दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इन मूवीज़ के चर्चे भी इतना ज़्यादा हो रखा था, रिलीज फिल्म के साथ मूवीज़ के बारे में कहानी और अपडेट भी काफ़ी ज़्यादा मिल गया था। हम आप सभी को बताएंगे अपकमिंग डेज में आने वाली अब काफ़ी सारी बेहतरीन और सिनेमा की मूवी के बारे में, जो कि रिलीज फिल्म के साथ उनकी कहानियाँ भी दोस्तों काफ़ी बड़ी हो गई है। और दोस्तों आप सभी बता दें अक्षय कुमार ने पहली बार टाइगर श्रॉफ के साथ कोलैबोरेशन पर काम करने वाले हैं, जिसके प्रीमियर के बारे में लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो कि 200 करोड़ के बजट पर बनाया गया। इस मूवी को अप्रैल 9 पर थिएटर रिलीज करेंगे दोस्तों। OTT प्रीमियर इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर पर भी रिलीज़ करवाएंगे। अली अब्बास जफर, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस कर चुकी है, अली अब्बास जफर ने इससे पहले सुल्तान 2016 की सबसे पॉपुलर मूवी और 2019 की भारत, 2017 की टाइगर जिंदा है जैसी मूवी को इन्होंने ही डायरेक्ट किया था, जिनमें से 2023 की जो कि वेब मूवी ब्लडी डैडी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। इतनी पॉपुलर मूवी के डायरेक्टर के साथ इन्होंने इस टाइम बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो कि एक बेहतरीन जो कि 90s की मूवीज़ के नाम से इन्होंने एक्शन थ्रिलर मूवी को हायर कर रहे हैं, और उन्होंने बता रहे हैं कि इस टाइम इन्होंने बड़ी मूवी को हाथ रखे है, जिसके प्रीमियर के साथ लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना है, तो दोस्तों आप लोगों ने लाइक करिए और बताइए अपकमिंग डेज में आने वाले इस मूवी को देखने के लिए कौन कौन लोग ज़्यादा एक्साइटेड है। दोस्तों इस मूवी के प्रीमियर के साथ आप सभी को कौन सी मूवी देखना है आप हमें कमेंट करना मत भूलिए। तो दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ सर की कुछ मूवीज़ बैक टू बैक फ्लॉप होने के बाद इस टाइम अक्षय कुमार ने उनको लेकर बड़ी मूवी अली अब्बास जफर ने इतनी हाईएस्ट बजट के साथ मूवी को बनाया, जो कि इस मूवी के बजट ही दोनों ही एक्टर को पेयर करने में लगा है, जिसकी रीज़न से थ्रिलर मूवी भी सबसे ज़्यादा बजट पर बना है। और इस टाइम जो कि इतने लंबे वक्त के बाद बड़े एक्टर्स को एक ही साथ ले के आना और इन मूवीज़ के प्रीमियर पर रिलीज़ कर देना काफ़ी बड़ी बात रहती है। और दोस्तों हम आप सभी को बता दें दोस्तों इस मूवी के सबसे बड़ी चांसेस और रिलीज फिल्म के साथ बात ये मूवी के किरदार और इस मूवी के कहानी के रीजन से सोनाक्षी सिन्हा को भी इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में लेके आया है। काफ़ी लंबे वक्त के बाद सोनाक्षी सिन्हा को मूवीज़ के अंदर आप देख पा रहे हो, उनकी कुछ मूवीज़ रिलीज़ में आने के बावजूद भी उतना ज़्यादा खास नहीं चल रहे थे और उनकी मूवीज़ के ऑफ़र भी कम आने लगे थे, जिसके रीज़न से सोनाक्षी सिन्हा की मूवी कम हो रहे थे। हम आप सभी को बता दें अली अब्बास जफर जिन्होंने टाइगर जिंदा है सुल्तान जैसी ऑल टाइम हाइएस्ट रिकॉर्ड मूवी को बनाया है, जिसके रीज़न से बड़े मियाँ छोटे मियाँ जब प्रीमियर करेंगे अप्रैल 9 पर, इस मूवी को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आपसे बता दें इस मूवी को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज़ करेंगे। यशराज फिल्म्स और PVR इनवॉक्स पिक्चर्स ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, सिनेमाग्राफी और मैरकिन लैक्विंस ने किया है, और इस मूवी के अंदर दोनों एक्टर की लीड कास्टिंग इक्वल रहेगी। जी हाँ दोस्तों, एक थ्रिलर मूवी होने के रीजन से इस मूवी के अंदर हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी कहानी कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों पिछले टाइम रिलीज प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ के सबसे ज़्यादा चर्चे होने के सबसे बड़े रीजंस मूवी की कहानी रही थी, और मूवी कहानी कॉन्सेप्ट के साथ मूवी को प्रीमियर कर दिया जा रहा है। बड़े मियाँ छोटी मियाँ जब अप्रैल 9 पर रिलीज़ कर दिया जाएगा, उसी वक्त से मूवी के नई कहानी कॉन्सेप्ट भी अपडेट में आया जाएगा और लोगों को
अच्छी खासी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। आप हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए। मूवी प्रीमियर के साथ हम आप सभी को बड़ी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी प्रीमियर करवाएंगे। और दोस्तों, अक्षय कुमार ने हीरा फेरी की तीसरी सीजन के लिए फाइनल शूटिंग कंप्लीट करवा चुके हैं और इन्होंने 2024 के अप्रैल पर इस मूवी की लीड कास्टिंग के बाद एंडिंग तक उनको हीरा फेरी की तीसरी सीक्वल देखने को मिल जाएगा। बैक टू बैक मूवी फ्लॉप के बाद उन्होंने उतनी खास बड़ी मूवी के अंदर काम करना ही छोड़ दिया था, जैसे कि लोगों ने एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके साथ नई मूवी के प्रीमियर के लिए। पर दोस्तों, ये सब बात रुक चुका है और बैक टू बैक उन्होंने एक साल के अंदर 10 मूवी करने के रीजन से उनकी मूवीज़ को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतना खास रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि दोस्तों, बड़े मियाँ छोटी मियाँ जो कि रिलीज प्रीमियर के साथ इस मूवी के एक्शन थ्रिलर सीन्स और ट्रेलर की जो TRP इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके रीजन से लोग इस मूवी की हिंदी प्रीमियर पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस मूवी के किरदार को लोग इंतजार कर सकते हैं। इसकी बड़ी बात इस मूवी की हिंदी प्रीमियर की सबसे बड़ी बात है, ऑलरेडी रिलीज हुई गोविंदा और अमिताभ बच्चन की कास्टिंग पर बनी हुई एक पुलिस की मूवी रही थी। पर दोस्तों, ये कुछ अलग ही किरदार पर बनने वाली रीमेक मूवी नहीं है। इस मूवी की कहानी कुछ अलग ही किरदार पर बनने वाली रहेगी है और लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए। दोस्तों, मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप लोगों ने इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी के हिंदी सिनेमा के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ईद पर इस मूवी को रिलीज़ करने की बात चल रहे थे और फिर भी अपडेट और काफ़ी सारे लोग इस तरह के मूवी प्रीमियर के लिए भी इंतजार कर रहे हैं। हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहेंगे मूवी प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ को दिखाने के लिए और रिलीज प्रीमियर के साथ ये सब मूवी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रखा है। पूजा एंटरटेनमेंट्स और काफ़ी सारे प्रोड्यूसर लोग ने इस मूवी को प्रीमियर कर दिया जा चुका है और ऑफिशियली इस मूवी को जब प्रीमियर कर दिया जाएगा तभी इस मूवी के चर्चे इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इस टाइम हिंदी सिनेमा की ये सब मूवी देखने को मिलना और इस तरह की मूवीज़ के बारे में चर्चा होना काफ़ी अच्छी बात ही है कि दोस्तों, मूवी लवर्स के लिए इस टाइम इतनी खास और इतनी अच्छी मूवी देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आप सभी को, ये सिनेमा की मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है जो ईद पर रिलीज़ करने के बाद चल रहे थे। बाद में दोस्तों, इस मूवी के बारे में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी आए और इस मूवी के जब टीजर को रिलीज़ कर दिया, इतनी बड़ी एक्साइटिंग स्टोरी कंसेप्ट बेस्ड मूवी बन चुकी है। दोस्तों, अगर दोस्तों आप लोगों को ये मूवी फुल HD पर देखना है, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो सबसे पहले आप सभी को होने वाला है और इतनी बड़ी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी के साथ आप सभी को ये मूवी देखने को मिल रहा है, जिसका सबसे बड़ी श्रेय और इस मूवी के रिलीज़ के रीज़न जाता है इस मूवी के कास्टिंग को ही और इस मूवी के कास्टिंग जो इतने बड़े एक्टर्स को एक ही साथ कोलैबोरेशन पर लेकर बनाया है, जो कि लोग इस मूवी को देखकर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने 500 करोड़ से भी ज़्यादा के कलेक्शन जरूर करेगा। काफ़ी सारे लो बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 400 करोड़ से भी ज़्यादा के कलेक्शन देखने के बाद लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्रेलर देखकर ही लग रहा है लोगों को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बड़े मियाँ छोटी मियाँ हिंदी प्रीमियर फुल मूवी लेकर कमेंट करना मत भूलिएगा। 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की लीड कास्ट में बनी हुई, जिसके सपोर्ट कर रहे पृथ्वीराज सुकुमार, मानुषी और सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी अली अब्बास जफर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों, आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए वेट कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर के बारे में। काफी लंबे वक्त से बड़े मियां छोटी मियां के बारे में चर्चे हो रखा था और दोस्तों, पहली बार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ कोलैबोरेशन पर काम कर रहे हैं, जिसके ऑपोजिट रोल में, जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज सुकुमार, जिन्होंने सलार मूवी के अंदर एज ऑपोजिट रोल एज ए विलन के कैरेक्टर में वो उतर आए थे, इस टाइम भी वो एक जन नेगेटिव रोल नजर आ रहा है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए। दोस्तों, काफ़ी लंबी वक्त हो चुका था मूवी के प्रीमियर को लेकर और दोस्तों, काफ़ी सारे लोग को इस तरह के मूवीज़ भी देखना था और हिंदी सिनेमा की ये सब मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। आज की वीडियो उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन लोगों ने इस मूवी को हिंदी पर प्रीमियर पर देखना पसंद कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे, वो सब लोग के लिए ये वीडियो सबसे खास होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके बताना मत भूलिए, ताकि दोस्तों हम आप सभी को इस मूवी के रिलीज के बारे में जानकारी करवाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी और वन ऑफ द फाइनेस्ट कहानी के साथ बनी हुई ये मूवी के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए, ताकि दोस्तों आप सभी को हम बताएंगे कि
मूवी के प्रीमियर के साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ की हिंदी प्रीमियर, इस मूवी के रिलीज और इस मूवी के अपकमिंग डेट में रिलीज और ये मूवी के प्रीमियर के बारे में। दोस्तों काफ़ी लंबी वक्त हो चुका है जो कि टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार के साथ कोलैबोरेशन पर मूवी आने की बात चल रहा था, पर दोस्तों लोगों को ये सब मूवी देखने को नहीं मिल रहा था। कुछ लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे दोनों की कोलैबोरेशन पर मूवी आएगी या नहीं, और मूवी के प्रीमियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे भी हो रखा था। दोस्तों रिलीज़ प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ के चर्चे होना काफ़ी अच्छी बात बनती भी है। और दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखी हो, मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में, जो कि इस मूवी के यूट्यूब प्रीमियर पर और OTT रिलीज पर थिएटर रिलीज के बाद भी कर देंगे। और दोस्तों ये मूवी के रिलीज प्रीमियर क्या होगा और इस मूवी से जुड़ी सारी की सारी अपडेट आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों आपसे भी बता दें 9 अप्रैल पर इस मूवी को रिलीज करने वाले हैं थिएटर पर। दोस्तों इस मूवी का बजट 200 करोड़ से भी ज़्यादा के बजट पर इस मूवी को बनाया गया है। मूवी प्रीमियर के साथ इस मूवी के चर्चे भी इतना ज़्यादा हो रखा है कि दोस्तों लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इस मूवी से इतनी बड़ी, एक्सपेक्टेशन करना काफ़ी बड़ी बात रहती है। और दोस्तों मूवी प्रीमियर के साथ हम आप सभी को बता चुके हैं कि ऑलरेडी काफ़ी सारी मूवी के रिलीज़ के साथ इन मूवीज़ के बारे में चर्चे भी हो रखा था, और रिलीज़ प्रीमियर के साथ आप सभी को ये मूवी भी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिए, ताकि दोस्तों अच्छी खासी हिंदी सिनेमा की मूवी आप सभी को आसानी से भी देखने को मिल जाए। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक थ्रिलर एक्शन मूवी जिसको बजट 200 करोड़ के आसपास पर इस मूवी के बजट को बनाया गया है, जिसके बजट को लेकर लोग जो काफ़ी ज़्यादा चौंक चुके हैं मूवी के प्रीमियर और इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों काफ़ी बड़ी और काफ़ी एक्साइटिंग स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी के साथ लोग भी ज़्यादा इंतजार कर रहे थे नई मूवी प्रीमियर के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों को ये सब मूवी देखना है, इस तरह की मूवी सिनेमा के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट टाइम मूवी प्रीमियर के साथ आप सभी को इस तरह की मूवी भी देखने को मिल रहा था। 2024 पर 9 अप्रैल पर इस मूवी को प्रीमियर कर दिया जाएगा, तो कि दोस्तों ये मूवी के प्रीमियर के साथ रिलीज़ और मूवी की कहानी के बारे में काफ़ी सारे चर्चे हो रखा था। एक थ्रिलर मूवी जो हाल ही में फाइटर जब रिलीज हुआ, उसके साथ लोगों को काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था। फाइटर मूवी एक सक्सेसफुल मूवी बन चुका है, उसके साथ पहली बार कोलैबोरेशन पर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ काम करने के रीजन से इस मूवी को लोग देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस मूवी की हिंदी प्रीमियर पर इंतजार करने के सबसे बड़े रीजन्स मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में चर्चे और इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट ही सबसे ज़्यादा आगे आता है। और दोस्तों हम भी दोस्तों आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी और अच्छी खासी मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार करवाएंगे, और वो सब मूवी भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा वीडियो प्रीमियर के साथ, और काफ़ी सारी नई मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ आप सभी को अच्छी खासी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। फर्स्टली टाइम दोस्तों बॉलीवुड पर कुछ मूवीज़ रिलीज में आए थे, तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उन मूवीज़ के चर्चे उतना खास नहीं हुआ था जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, उससे कम ही रह गया था मूवी के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कह लो या फिर आप। और दूसरी बात, क्योंकि दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इन मूवीज़ के चर्चे भी इतना ज़्यादा हो रखा था, रिलीज़ फिल्म के साथ मूवीज़ के बारे में कहानी और अपडेट भी काफ़ी ज़्यादा मिल गया था। हम आप सभी को बताएंगे अपकमिंग डेज में आने वाली अब काफ़ी सारी बेहतरीन और सिनेमा की मूवी के बारे में, जो कि रिलीज प्रीमियर के साथ उनकी कहानियाँ भी दोस्तों काफ़ी बड़ी हो गई है। और दोस्तों आप सभी बता दें अक्षय कुमार ने पहली बार टाइगर श्रॉफ के साथ कोलैबोरेशन पर काम करने वाले हैं, जिसके प्रीमियर के बारे में लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो कि 200 करोड़ के बजट पर बनाया गया। इस मूवी को 9 अप्रैल पर थिएटर रिलीज करेंगे दोस्तों। OTT प्रीमियर इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर पर भी रिलीज़ करवाएंगे। अली अब्बास जफर जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस कर चुकी है, अली अब्बास जफर ने इससे पहले सुल्तान 2016 की सबसे पॉपुलर मूवी और 2019 की भारत, 2017 की टाइगर जिंदा है जैसी मूवी को इन्होंने ही डायरेक्ट किया था, जिनमें से 2023 की जो कि वेब मूवी ब्लडी डैडी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। इतनी पॉपुलर मूवी के डायरेक्टर के साथ इन्होंने इस टाइम बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो कि एक बेहतरीन जो कि 90s की मूवीज़ के नाम से इन्होंने एक्शन थ्रिलर मूवी को हायर कर रहे हैं, और उन्होंने बता रहे हैं कि इस टाइम इन्होंने बड़ी मूवी को हाथ रखे है, जिसके प्रीमियर के साथ लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना है, तो दोस्तों आप लोगों ने लाइक करिए और बताइए अपकमिंग डेज में आने वाले इस मूवी को देखने के लिए कौन कौन लोग ज़्यादा एक्साइटेड है। दोस्तों इस मूवी के प्रीमियर के साथ आप सभी को कौन सी मूवी देखना है आप हमें कमेंट करना मत भूलिए।
तो दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ सर की कुछ मूवीज़ बैक टू बैक फ्लॉप होने के बाद इस टाइम अक्षय कुमार ने उनको लेकर बड़ी मूवी अली हाफिज जबर ने इतनी हाईएस्ट बजट के साथ मूवी को बनाया, जो कि इस मूवी के बजट ही दोनों ही एक्टर को पेड़ करने में लगा है, जिसके रीज़न से थ्रिलर मूवी भी सबसे ज़्यादा बजट पर बना है। और इस टाइम जो कि इतने लंबे वक्त के बाद बड़े एक्टर्स को एक ही साथ ले के आना और इन मूवीज़ के प्रीमियर पर रिलीज़ कर देना काफ़ी बड़ी बात रहती है। और दोस्तों हम आप सभी को बता देते हैं दोस्तों, इस मूवी के सबसे बड़ी चांसेस और रिलीज फिल्म के साथ बात ये मूवी के किरदार और इस मूवी के कहानी के रीजन से सोनाक्षी सिन्हा को भी इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में लेके आया है। काफ़ी लंबे वक्त के बाद सोनाक्षी सिन्हा को मूवीज़ के अंदर आप देख पा रहे हो। उनकी कुछ मूवीज़ रिलीज में आने के बावजूद भी उतना ज़्यादा खास नहीं चल रहे थे और उनकी मूवीज़ के ऑफर भी कम आने लगे थे, जिसके रीजन से सोनाक्षी सिन्हा की मूवी कम हो रहे थे। हम आप सभी को बता दें अली अब्बास जफर जिन्होंने टाइगर जिंदा है सुल्तान जैसी ऑल टाइम हाईएस्ट रिकॉर्ड मूवी को बनाया है, जिसके रीजन से बड़े मियाँ छोटे मियाँ जब प्रीमियर करेंगे 9 अप्रैल पर, इस मूवी को लोगों ने काफ़ी इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आपसे बता दें इस मूवी को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज कर देंगे। यसराज फिल्म्स और PVR इनवॉक्स पिक्चर्स ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, सिनेमाग्राफिक और मैरकिन लैक्विंस ने किया है और इस मूवी के अंदर दोनों एक्टर की लीड कास्टिंग इक्वल रहेगी। जी हाँ दोस्तों, एक थ्रिलर मूवी होने के रीजन से इस मूवी के अंदर हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी कहानी कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों पिछले टाइम रिलीज फिल्म के साथ इन मूवीज़ के सबसे ज़्यादा चर्चा होने के सबसे बड़े रीजंस मूवी की कहानी रही थी और मूवी कहानी कॉन्सेप्ट के साथ मूवी को प्रीमियर कर दिया जा रहा है। बड़े मियाँ छोटी मियाँ जब 9 अप्रैल पर रिलीज़ कर दिया जाएगा, उसी वक्त से मूवी के नई कहानी कॉन्सेप्ट भी अपडेट में आ जाएगा और लोगों को अच्छी खासी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। आप हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए। मूवी प्रीमियर के साथ हम आप सभी को बड़ी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी प्रीमियर करवाएंगे। और दोस्तों अक्षय कुमार ने हीरा फेरी की तीसरी सीक्वल के फाइनल शूटिंग कंप्लीट करवा चुके हैं और इन्होंने 2024 के अप्रैल पर इस मूवी की लीड कास्टिंग के बाद एंडिंग तक उनको हीरा फेरी की तीसरी सीक्वल देखने को मिल जाएगा। बैक टू बैक मूवी फ्लॉप के बाद उन्होंने उतनी खास बड़ी मूवी के अंदर काम करना ही छोड़ दिया था, जैसे कि लोगों ने एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके साथ नई मूवी के प्रीमियर के लिए। पर दोस्तों ये सब बात रुक चुका है और बैक टू बैक उन्होंने एक साल के अंदर 10 मूवी करने के रीजन से उनकी मूवीज़ को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतना खास रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि दोस्तों बड़े मियाँ छोटी मियाँ जो कि रिलीज प्रीमियर के साथ इस मूवी के एक्शन थ्रिलर सीन्स और ट्रेलर की जो TRP इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके रीज़न से लोग इस मूवी की हिंदी प्रीमियर पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस मूवी के किरदार को लोग इंतजार कर सकते हैं। इसकी बड़ी बात इस मूवी की हिंदी प्रीमियर की सबसे बड़ी बात है, ऑलरेडी रिलीज हुई गोविंदा और अमिताभ बच्चन की कास्टिंग पर बनी हुई एक पुलिस की मूवी रही थी, पर दोस्तों ये कुछ अलग ही किरदार पर बनने वाली रीमेक मूवी नहीं है। इस मूवी की कहानी कुछ अलग ही किरदार पर बनने वाली रहेगी है और लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए। दोस्तों मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप लोगों ने इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी के हिंदी सिनेमा के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ईद पर इस मूवी को रिलीज़ करने के बाद चल रहे थे और फिर भी अपडेट और काफ़ी सारे लोग इस तरह के मूवी प्रीमियर के लिए भी इंतज़ार कर रहे हैं। हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहेंगे मूवी प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ को दिखाने के लिए और रिलीज प्रीमियर के साथ ये सब मूवी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रखा है। पूजा एंटरटेनमेंट्स और काफ़ी सारे प्रोड्यूसर लोग ने इस मूवी को प्रीमियर कर दिया जा चुका है और ऑफिशियली इस मूवी को जब प्रीमियर कर दिया जाएगा तभी इस मूवी के चर्चे इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस टाइम हिंदी सिनेमा की यह सब मूवी देखने को मिलना और इस तरह की मूवीज़ के बारे में चर्चा होना काफ़ी अच्छी बात ही है कि दोस्तों मूवी लवर्स के लिए इस टाइम इतनी खास और इतनी अच्छी मूवी देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आप सभी को, यह सिनेमा की मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है जो ईद पर रिलीज़ करने के बाद चल रहे थे। बाद में दोस्तों इस मूवी के बारे में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी आई और इस मूवी के जब टीजर को रिलीज़ कर दिया, इतनी बड़ी एक्साइटिंग स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड मूवी बन चुकी है। दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों को ये मूवी फुल HD पर देखना है, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो सबसे पहले आप सभी को होने वाला है और इतनी बड़ी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी के साथ आप सभी को ये मूवी देखने को मिल रहा है, जिसका सबसे बड़ी श्रेय और इस मूवी के रिलीज़ के रीज़न जाता है इस मूवी के कास्टिंग को ही और इस मूवी के कास्टिंग जो इतने बड़े एक्टर्स को एक ही साथ कोलैबोरेशन पर लेकर बनाया है, जो कि लोग इस मूवी को देखकर
एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने 500 करोड़ से भी ज़्यादा के कलेक्शन ज़रूर करेगा। काफ़ी सारे लो बजट मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 400 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन देखने के बाद लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्रेलर देख कर ही लग रहा है लोगों को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट में सर बड़े मियाँ छोटी मियाँ हिंदी प्रीमियर फुल मूवी लेकर कॉमेंट करना मत भूलिएगा। 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की लीड कास्टिंग बनी हुई, जिसके सपोर्ट कर रहे पृथ्वीराज सुकुमार, मानुषी और सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी अली अब्बास जफर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए वेट कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर के बारे में। काफ़ी लंबे वक्त से बड़े मियाँ छोटी मियाँ के बारे में चर्चा हो रखा था, और दोस्तों पहली बार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ कोलैबोरेशन पर काम कर रहे हैं, जिसके ऑपोजिट रोल में जी हाँ दोस्तों पृथ्वीराज सुकुमार, जिन्होंने सलार मूवी के अंदर एज अ ऑपोजिट रोल एज अ विलन के कैरेक्टर में उतर आए थे, इस टाइम भी वो एज अ नेगेटिव रोल नजर आ रहा है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए। दोस्तों काफ़ी लंबी वक्त हो चुका था मूवी के प्रीमियर को लेकर, और दोस्तों काफ़ी सारे लोग को इस तरह की मूवीज़ भी देखना था और हिंदी सिनेमा की ये सब मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। आज की वीडियो उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है, जिन जिन लोगों ने इस मूवी को हिंदी पर प्रीमियर पर देखना पसंद कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे, वो सब लोग के लिए ये वीडियो सबसे खास होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके बताना मत भूलिए, ताकि दोस्तों हम आप सभी को इस मूवी के रिलीज के बारे में जानकारी करवाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी और वन ऑफ द फाइनेस्ट कहानी के साथ बनी हुई ये मूवी के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए, ताकि दोस्तों आप सभी को हम बताएंगे कि मूवी के प्रीमियर के साथ बड़े मियाँ छोटी मियाँ की हिंदी प्रीमियर, इस मूवी के रिलीज और इस मूवी के अपकमिंग डेट में रिलीज और ये मूवी के प्रीमियर के बारे में। दोस्तों काफ़ी लंबी वक्त हो चुका है जो कि टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार के साथ कोलैबोरेशन पर मूवी आने की बात चल रहा था, पर दोस्तों लोगों को ये सब मूवी देखने को नहीं मिल रहा था। कुछ लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे दोनों की कोलैबोरेशन पर मूवी आएगी या नहीं, और मूवी के प्रीमियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे भी हो रखा था। दोस्तों रिलीज प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ के चर्चे होना काफ़ी अच्छी बात बनती भी है। और दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखी हो, मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में, जो कि इस मूवी के YouTube प्रीमियर पर और OTT रिलीज पर थिएटर रिलीज के बाद भी कर देंगे। और दोस्तों ये मूवी के रिलीज प्रीमियर क्या होगा और इस मूवी से जुड़ी सारी की सारी अपडेट आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों आपसे भी बता दें, अप्रैल 9 पर इस मूवी को रिलीज करने वाले हैं थिएटर पर। दोस्तों इस मूवी का बजट 200 करोड़ से भी ज़्यादा के बजट पर इस मूवी को बनाया गया है। मूवी प्रीमियर के साथ इस मूवी के चर्चे भी इतना ज़्यादा हो रखा है कि दोस्तों लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इस मूवी से इतनी बड़ी, एक्सपेक्टेशन करना काफ़ी बड़ी बात रहती है। और दोस्तों मूवी प्रीमियर के साथ हम आप सभी को बता चुके हैं कि ऑलरेडी काफ़ी सारी मूवी के रिलीज़ के साथ इन मूवीज़ के बारे में चर्चे भी हो रखा था, और रिलीज प्रीमियर के साथ आप सभी को ये मूवी भी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए, ताकि दोस्तों अच्छी खासी हिंदी सिनेमा की मूवी आप सभी को आसानी से भी देखने को मिल जाए। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक थ्रिलर एक्शन मूवी, जिसको बजट 200 करोड़ के आसपास पर इस मूवी के बजट को बनाया गया है, जिसके बजट को लेकर लोग जो काफ़ी ज़्यादा चौंक चुके हैं मूवी के प्रीमियर और इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों काफ़ी बड़ी और काफ़ी एक्साइटिंग स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी के साथ लोग भी ज़्यादा इंतजार कर रहे थे नई मूवी प्रीमियर के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों को ये सब मूवी देखना है, इस तरह की मूवी सिनेमा के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट टाइम मूवी प्रीमियर के साथ आप सभी को इस तरह की मूवी भी देखने को मिल रहा था। 2024 पर अप्रैल 9 पर इस मूवी को प्रीमियर कर दिया जाएगा, तो कि दोस्तों ये मूवी के प्रीमियर के साथ रिलीज और मूवी की कहानी के बारे में काफ़ी सारी चर्चे हो रखा था। एक थ्रिलर मूवी जो हाल ही में फाइटर जब रिलीज हुआ, उसके साथ लोगों को काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था। फाइटर मूवी एक सक्सेसफुल मूवी बन चुका है, उसके साथ पहली बार कोलैबोरेशन पर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ काम करने के रीजन से इस मूवी को लोग देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर पर इंतजार करने के सबसे बड़े रीजन्स मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में चर्चे और इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट ही सबसे ज़्यादा आगे आता है। और दोस्तों हम भी दोस्तों आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी और अच्छी खासी मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार करवाएंगे, और वो सब मूवी भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा वीडियो प्रीमियर के साथ, और काफ़ी सारी नई मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ आप सभी को अच्छी खासी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम दोस्तों
बॉलीवुड पर कुछ मूवीज़ रिलीज में आए थे तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उन मूवीज़ के साथ से उतना खास नहीं हुआ था जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, उससे कम ही रह गया था मूवी के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कह लो या फिर आप और दूसरी बात, क्योंकि दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इन मूवीज़ के चार्ज से भी इतना ज़्यादा हो रखा था, रिलीज फिल्में के साथ मूवीज़ के बारे में कहानी और अपडेट भी काफ़ी ज़्यादा मिल गया था। हम आप सभी को बताएंगे अपकमिंग डेज में आने वाली अब काफ़ी सारी बेहतरीन और सिनेमा की मूवी के बारे में, जो कि रिलीज फिल्में के साथ उनकी कहानियाँ भी दोस्तों काफ़ी बड़ी हो गई है। और दोस्तों आप सभी को बता दें अक्षय कुमार ने पहली बार टाइगर सर के साथ कोलैबोरेशन पर काम करने वाले हैं, जिसके प्रीमियर के बारे में लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो कि 200 करोड़ के बजट पर बनाया गया। इस मूवी को अप्रैल 9 पर थिएटर रिलीज करेंगे दोस्तों। OTT प्रीमियर इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर पर भी रिलीज़ करवाएंगे। अली अब्बास जफर जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस कर चुकी है, अली अब्बास जफर ने इससे पहले सुल्तान 2016 की सबसे पॉपुलर मूवी और 2019 की भारत, 2017 की टाइगर जिंदा है जैसी मूवी को इन्होंने ही डायरेक्ट किया था, जिनमें से 2023 की जो कि वेब मूवी ब्लडी डैडी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। इतनी पॉपुलर मूवी के डायरेक्टर के साथ इन्होंने इस टाइम बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो कि एक बेहतरीन जो कि 90s की मूवीज़ के नाम से इन्होंने एक्शन थ्रिलर मूवी को हायर कर रहे हैं और उन्होंने बता रहे हैं कि इस टाइम इन्होंने बड़ी मूवी को हाथ रखे हैं, जिसके प्रीमियर के साथ लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना है तो दोस्तों आप लोगों ने लाइक करिए और बताइए अपकमिंग डेज में आने वाले इस मूवी को देखने के लिए कौन कौन लोग ज़्यादा एक्साइटेड है। दोस्तों इस मूवी के प्रीमियर के साथ आप सभी को कौन सी मूवी देखना है आप हमें कमेंट करना मत भूलिए। तो दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ सर की कुछ मूवीज़ बैक टू बैक फ्लॉप होने के बाद इस टाइम अक्षय कुमार ने उनको लेकर बड़ी मूवी अली अफज जबर ने इतनी हाईएस्ट बजट के साथ मूवी को बनाया, जो कि इस मूवी के बजट ही दोनों ही एक्टर को पेयर करने में लगा है, जिसकी रीज़न से थ्रिलर मूवी भी सबसे ज़्यादा बजट पर बना है। और इस टाइम जो कि इतने लंबे वक्त के बाद बड़े एक्टर्स को एक ही साथ ले के आना और इन मूवीज़ के प्रीमियर पर रिलीज़ कर देना काफ़ी बड़ी बात रहती है। और दोस्तों हम आप सभी को बता दें दोस्तों इस मूवी के सबसे बड़ी चांसेस और रिलीज फिल्में के बाद ये मूवी के किरदार और इस मूवी के कहानी के रीजन से सोनाक्षी सिन्हा को भी इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में लेके आया है। काफ़ी लंबे वक्त के बाद सोनाक्षी सिन्हा को मूवीज़ के अंदर आप देख पा रहे हो, उनकी कुछ मूवीज़ रिलीज में आने के बावजूद भी उतना ज़्यादा खास नहीं चल रहे थे और उनकी मूवीज़ के ऑफर भी कम आने लगे थे, जिसके रीजन से सोनाक्षी सिन्हा की मूवी कम हो रहे थे। हम आप सभी को बता दें अली अब्बास जफर जिन्होंने टाइगर जिंदा है सुल्तान जैसी ऑल टाइम हाईएस्ट रिकॉर्ड मूवी को बनाया है, इसके रीजन से बड़े मियां छोटे मियां जब प्रीमियर करेंगे अप्रैल 9 पर इस मूवी को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आपसे बता दें इस मूवी को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज करेंगे। यशराज फिल्म्स और PVR इनवॉक्स पिक्चर्स ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, सिनेमाग्राफी और मैरकिन लैक्वेंस ने किया है और इस मूवी के अंदर दोनों एक्टर की लीड कास्टिंग इक्वल रहेगी। जी हाँ दोस्तों, एक थ्रिलर मूवी होने के रीज़न से इस मूवी के अंदर हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी कहानी कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों पिछले टाइम रिलीज प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ के सबसे ज़्यादा चर्चा होने के सबसे बड़ी रीजंस मूवी की कहानी रही थी और मूवी कहानी कॉन्सेप्ट के साथ मूवी को प्रीमियर कर दिया जा रहा है। बड़े मियाँ छोटी मियाँ जब अप्रैल 9 पर रिलीज कर दिया जाएगा उसी वक्त से मूवी के नई कहानी कॉन्सेप्ट भी अपडेट में आया जाएगा और लोगों को अच्छी खासी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। आप हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए मूवी प्रीमियर के साथ हम आप सभी को बड़ी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी प्रीमियर करवाएंगे। और दोस्तों अक्षय कुमार ने हीरा फेरी की तीसरी सीक्वल की फाइनल शूटिंग कंप्लीट करवा चुके हैं और इन्होंने 2024 के अप्रैल पर इस मूवी की लीड कास्टिंग के बाद एंडिंग तक उनको हीरा फेरी की तीसरी सीक्वल देखने को मिल जाएगा। बैक टू बैक मूवी फ्लॉप के बाद उन्होंने उतनी खास बड़ी मूवी के अंदर काम करना ही छोड़ दिया था, जैसे कि लोगों ने एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके साथ नई मूवी के प्रीमियर के लिए, पर दोस्तों ये सब बात रुक चुका है और बैक टू बैक उन्होंने एक साल के अंदर 10 मूवी करने के रीजन से उनकी मूवीज़ को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतना खास रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि दोस्तों बड़े मियाँ छोटी मियाँ जो कि रिलीज प्रीमियर के साथ इस मूवी के एक्शन थ्रिलर सीन्स और ट्रेलर की जो TRP इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके रीजन से लोग इस मूवी के हिंदी प्रीमियर पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस मूवी के किरदार को लोग इंतजार कर सकते हैं। इसकी बड़ी बात इस मूवी की हिंदी प्रीमियर की सबसे बड़ी बात है, ऑलरेडी रिलीज हुई गोविंदा और अमिताभ बच्चन की कास्टिंग पर बनी हुई एक पुलिस की मूवी रही थी, पर दोस्तों ये कुछ अलग ही किरदार पर बनने वाली रीमेक मूवी नहीं है। इस मूवी की कहानी कुछ अलग ही किरदार पर बनने वाली रहेगी है और लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए। दोस्तों मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप लोगों ने इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी के हिंदी सिनेमा के लिए इंतजार कर रहे थे,
तो दोस्तों ईद पर इस मूवी को रिलीज़ करने के बाद चल रहे थे और फिर भी अपडेट और काफ़ी सारे लोग इस तरह के मूवी प्रीमियर के लिए भी इंतज़ार कर रहे हैं। हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहेंगे मूवी प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ को दिखाने के लिए और रिलीज़ प्रीमियर के साथ ये सब मूवी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रखा है। पूजा एंटरटेनमेंट्स और काफ़ी सारे प्रोड्यूसर लोग ने इस मूवी को प्रीमियर कर दिया जा चुका है और ऑफिशियली इस मूवी को जब प्रीमियर कर दिया जाएगा तभी इस मूवी के चर्चे इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस टाइम हिंदी सिनेमा की ये सब मूवी देखने को मिलना और इस तरह की मूवीज़ के बारे में चर्चा होना काफ़ी अच्छी बात ही है कि दोस्तों मूवी लवर्स के लिए इस टाइम इतनी खास और इतनी अच्छी मूवी देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आप सभी को ये सिनेमा की मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है जो ईद पर रिलीज़ करने के बाद चल रहे थे। बाद में दोस्तों इस मूवी के बारे में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी आए और इस मूवी के जब टीजर को रिलीज़ कर दिया इतनी बड़ी एक्साइटिंग स्टोरी कंसेप्ट बेस्ड मूवी बन चुकी है। दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों को ये मूवी फुल एचडी पर देखना है इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे तो दोस्तों ये वीडियो सबसे पहले आप सभी को होने वाला है और इतनी बड़ी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी के साथ आप सभी को ये मूवी देखने को मिल रहा है जिसका सबसे बड़ी श्रेय और इस मूवी के रिलीज़ का रीज़न जाता है इस मूवी के कास्टिंग को ही और इस मूवी के कास्टिंग जो इतने बड़े एक्टर्स को एक साथ कोलैबोरेशन पर लेकर बनाया है जो कि लोग इस मूवी को देखकर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने 500 करोड़ से भी ज़्यादा के कलेक्शन जरूर करेगा। काफ़ी सारे लो बजट मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 400 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन देखने के बाद लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्रेलर देखकर ही लग रहा है लोगों को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में सर बड़े मियाँ छोटी मियाँ हिंदी प्रीमियर फुल मूवी लेकर कमेंट करना मत भूलिएगा। 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जी हाँ दोस्तों अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की लीड कास्ट में बनी हुई जिसके सपोर्ट कर रहे पृथ्वीराज सुकुमार, मानुषी और सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ दोस्तों 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी अली अब्बास जफर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए वेट कर रहे थे तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर के बारे में। काफ़ी लंबे वक्त से बड़े मियाँ छोटी मियाँ के बारे में चर्चे हो रखा था और दोस्तों पहली बार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ कोलैबोरेशन पर काम कर रहे हैं जिसके ऑपोजिट रोल में जी हाँ दोस्तों पृथ्वीराज सुकुमार जिन्होंने सलार मूवी के अंदर एज ऑपोजिट रोल एज ए विलन के कैरेक्टर में वो उतर आए थे, इस टाइम भी वो एक जो नेगेटिव रोल नज़र आ रहा है जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए। दोस्तों काफ़ी लंबी वक्त हो चुका था मूवी के प्रीमियर को लेकर और दोस्तों काफ़ी सारे लोग को इस तरह के मूवीज़ भी देखना था और हिंदी सिनेमा की ये सब मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। आज की वीडियो उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इस मूवी को हिंदी पर प्रीमियर पर देखना पसंद कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे वो सब लोग के लिए ये वीडियो सबसे खास होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके बताना मत भूलिए ताकि दोस्तों हम आप सभी को इस मूवी के रिलीज के बारे में जानकारी करवाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी और वन ऑफ द फाइनेस्ट कहानी के साथ बनी हुई ये मूवी के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए ताकि दोस्तों आप सभी को हम बताएंगे कि मूवी के प्रीमियर के साथ बड़े मियाँ छोटी मियाँ की हिंदी प्रीमियर, इस मूवी के रिलीज और इस मूवी के अपकमिंग डेट में रिलीज और ये मूवी के प्रीमियर के बारे में। दोस्तों काफ़ी लंबी वक्त हो चुका है जो कि टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार के साथ कोलैबोरेशन पर मूवी आने की बात चल रहा था पर दोस्तों लोगों को ये सब मूवी देखने को नहीं मिल रहा था। कुछ लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे दोनों की कोलैबोरेशन पर मूवी आएगी या नहीं और मूवी के प्रीमियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे भी हो रखा था। दोस्तों रिलीज़ प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ के चर्चे होना काफ़ी अच्छी बात बनती भी है। और दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखी हो मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में जो कि इस मूवी के यूट्यूब प्रीमियर पर और OTT रिलीज पर थिएटर रिलीज के बाद भी कर देंगे। और दोस्तों ये मूवी के रिलीज प्रीमियर क्या होगा और इस मूवी से जुड़ी सारी की सारी अपडेट आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों आपसे भी बता दें 9 अप्रैल पर इस मूवी को रिलीज करने वाले हैं थिएटर पर। दोस्तों इस मूवी का बजट 200 करोड़ से भी ज़्यादा के बजट पर इस मूवी को बनाया गया है। मूवी प्रीमियर के साथ इस मूवी के चर्चे भी इतना ज़्यादा हो रखा है कि दोस्तों लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इस मूवी से, इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन करना काफ़ी बड़ी बात रहती है। और दोस्तों मूवी प्रीमियर के साथ हम आप सभी को बता चुके हैं कि ऑलरेडी काफ़ी सारी मूवी के रिलीज़ के साथ इन मूवीज़ के बारे में चर्चे भी हो रखा था और
रिलीज प्रीमियर के साथ आप सभी को ये मूवी भी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए, ताकि दोस्तों अच्छी खासी हिंदी सिनेमा की मूवी आप सभी को आसानी से भी देखने को मिल जाए। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक थ्रिलर एक्शन मूवी जिसको बजट 200 करोड़ के आसपास पर इस मूवी के बजट को बनाया गया है, जिसके बजट को लेकर लोग जो काफ़ी ज़्यादा चौंक चुके हैं मूवी के प्रीमियर और इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों काफ़ी बड़ी और काफ़ी एक्साइटिंग स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी के साथ लोग भी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे नई मूवी प्रीमियर के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों को ये सब मूवी देखना है, इस तरह की मूवी सिनेमा के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट टाइम मूवी प्रीमियर के साथ आप सभी को इस तरह की मूवी भी देखने को मिल रहा था। 2024 पर अप्रैल 9 पर इस मूवी को प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो कि दोस्तों ये मूवी के प्रीमियर के साथ रिलीज और मूवी की कहानी के बारे में काफ़ी सारे चर्चे हो रखा था। एक थ्रिलर मूवी जो हाल ही में फाइटर जब रिलीज हुआ उसके साथ लोगों को काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था। फाइटर मूवी एक सक्सेसफुल मूवी बन चुका है, उसके साथ पहली बार कोलैबोरेशन पर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ काम करने के रीजन से इस मूवी को लोग देखने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। इस मूवी की हिंदी प्रीमियर पर इंतज़ार करने के सबसे बड़े रीजन्स मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में चर्चे और इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट ही सबसे ज़्यादा आगे आता है। और दोस्तों हम भी दोस्तों आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी और अच्छी खासी मूवी के प्रीमियर के लिए इंतज़ार करवाएंगे, और वो सब मूवी भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा वीडियो प्रीमियर के साथ। और काफ़ी सारी नई मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ आप सभी को अच्छी खासी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। फर्स्टली टाइम दोस्तों बॉलीवुड पर कुछ मूवीज़ रिलीज में आए थे, तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उन मूवीज़ के चर्चे उतना खास नहीं हुआ था जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, उससे कम ही रह गया था मूवी के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कह लो या फिर आप और दूसरी बात, क्योंकि दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इन मूवीज़ के चार्जे भी इतना ज़्यादा हो रखा था। रिलीज फिल्म के साथ मूवीज़ के बारे में कहानी और अपडेट भी काफ़ी ज़्यादा मिल गया था। हम आप सभी को बताएंगे अपकमिंग डेज में आने वाली अब काफ़ी सारी बेहतरीन और सिनेमा की मूवी के बारे में, जो कि रिलीज प्रीमियर के साथ उनकी कहानियाँ भी दोस्तों काफ़ी बड़ी हो गई है। और दोस्तों आप सभी बता दें अक्षय कुमार ने पहली बार टाइगर श्रॉफ के साथ कोलैबोरेशन पर काम करने वाले हैं, जिसके प्रीमियर के बारे में लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो कि 200 करोड़ के बजट पर बनाया गया। इस मूवी को अप्रैल 9 पर थिएटर रिलीज करेंगे दोस्तों। OTT प्रीमियर इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर पर भी रिलीज़ करवाएंगे। अली अब्बास जफर जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस कर चुकी है, अली अब्बास जफर ने इससे पहले सुल्तान 2016 की सबसे पॉपुलर मूवी और 2019 की भारत, 2017 की टाइगर जिंदा है जैसी मूवी को इन्होंने ही डायरेक्ट किया था, जिनमें से 2023 की जो कि वेब मूवी ब्लडी डैडी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। इतनी पॉपुलर मूवी के डायरेक्टर के साथ इन्होंने इस टाइम बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो कि एक बेहतरीन जो कि 90s की मूवीज़ के नाम से इन्होंने एक्शन थ्रिलर मूवी को हायर कर रहे हैं, और उन्होंने बता रहे हैं कि इस टाइम इन्होंने बड़ी मूवी को हाथ रखे हैं, जिसके प्रीमियर के साथ लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना है, तो दोस्तों आप लोगों ने लाइक करिए और बताइए अपकमिंग डेज में आने वाले इस मूवी को देखने के लिए कौन कौन लोग ज़्यादा एक्साइटेड है। दोस्तों इस मूवी के प्रीमियर के साथ आप सभी को कौन सी मूवी देखना है आप हमें कमेंट करना मत भूलें। तो दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ सर की कुछ मूवीज़ बैक टू बैक फ्लॉप होने के बाद इस टाइम अक्षय कुमार ने उनको लेकर बड़ी मूवी अली अफज जबर ने इतनी हाईएस्ट बजट के साथ मूवी को बनाया, जो कि इस मूवी के बजट ही दोनों ही एक्टर को पेड़ करने में लगा है, जिसके रीज़न से थ्रिलर मूवी भी सबसे ज़्यादा बजट पर बना है। और इस टाइम जो कि इतने लंबे वक्त के बाद बड़े एक्टर्स को एक ही साथ ले के आना और इन मूवीज़ के प्रीमियर पर रिलीज़ कर देना काफ़ी बड़ी बात रहती है। और दोस्तों हम आप सभी को बता दें दोस्तों इस मूवी के सबसे बड़ी चांसेस और रिलीज फिल्म के साथ बात ये मूवी के किरदार और इस मूवी के कहानी के रीजन से सोनाक्षी सिन्हा को भी इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में लेके आया है। काफ़ी लंबे वक्त के बाद सोनाक्षी सिन्हा को मूवीज़ के अंदर आप देख पा रहे हो, उनकी कुछ मूवीज़ रिलीज में आने के बावजूद भी उतना ज़्यादा खास नहीं चल रहे थे और उनकी मूवीज़ के ऑफर भी कम आने लगे थे, जिसके रीजन से सोनाक्षी सिन्हा की मूवी कम हो रहे थे। हम आप सभी को बता दें अली अब्बास जफर जिन्होंने टाइगर जिंदा है सुल्तान जैसी ऑल टाइम हाईएस्ट रिकॉर्ड मूवी को बनाया है, जिसके रीजन से बड़े मियाँ छोटे मियाँ जब प्रीमियर करेंगे अप्रैल 9 पर इस मूवी को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आपसे बता दें इस मूवी को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज करेंगे। यशराज फिल्म्स और PVR इनवॉक्स पिक्चर्स ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, सिनेमाग्राफिकर मैरकिन लेकुंस ने किया है, और इस मूवी के अंदर दोनों एक्टर की लीड कास्टिंग इक्वल रहेगी।
जी हाँ दोस्तों, एक थ्रिलर मूवी होने के रीज़न से इस मूवी के अंदर हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी कहानी कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों पिछले टाइम रिलीज फिल्म के साथ इन मूवीज़ के सबसे ज़्यादा चर्चा होने के सबसे बड़ी रीजन्स मूवी की कहानी रही थी, और मूवी कहानी कॉन्सेप्ट के साथ मूवी को प्रीमियर कर दिया जा रहा है। बड़े मियाँ छोटी मियाँ जब अप्रैल लाइन पर रिलीज़ कर दिया जाएगा, उसी वक्त से मूवी के नई कहानी कॉन्सेप्ट भी अपडेट में आया जाएगा और लोगों को अच्छी खासी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। आप हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए। मूवी प्रीमियर के साथ हम आप सभी को बड़ी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी प्रीमियर करवाएंगे। और दोस्तों अक्षय कुमार ने हीरा फेरी की तीसरी सीक्वल की फाइनल शूटिंग कंप्लीट करवा चुके हैं, और इन्होंने 2024 के अप्रैल पर इस मूवी की लीड कास्टिंग के बाद एंडिंग तक उनको हीरा फेरी की तीसरी सीक्वल देखने को मिल जाएगा। बैक टू बैक मूवी फ्लॉप के बाद उन्होंने उतनी खास बड़ी मूवी के अंदर काम करना ही छोड़ दिया था जैसे कि लोगों ने एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके साथ नई मूवी के प्रीमियर के लिए। पर दोस्तों ये सब बात रुक चुका है, और बैक टू बैक उन्होंने एक साल के अंदर 10 मूवी करने के रीजन से उनकी मूवीज़ को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतना खास रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि दोस्तों बड़े मियाँ छोटी मियाँ जो कि रिलीज प्रीमियर के साथ इस मूवी के एक्शन थ्रिलर सीन्स और ट्रेलर की जो TRP इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके रीज़न से लोग इस मूवी की हिंदी प्रीमियर पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस मूवी के किरदार को लोग इंतजार कर सकते हैं। इसकी बड़ी बात इस मूवी की हिंदी प्रीमियर की सबसे बड़ी बात है, ऑलरेडी रिलीज हुई गोविंदा और अमिताभ बच्चन की कास्टिंग पर बनी हुई एक पुलिस की मूवी रही थी। पर दोस्तों ये कुछ अलग ही किरदार पर बनने वाली रीमेक मूवी नहीं है, इस मूवी की कहानी कुछ अलग ही किरदार पर बनने वाली रहेगी है, और लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए। दोस्तों मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप लोगों ने इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी की हिंदी सिनेमा के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ईद पर इस मूवी को रिलीज़ करने के बाद चल रहे थे और फिर भी अपडेट और काफ़ी सारे लोग इस तरह के मूवी प्रीमियर के लिए भी इंतजार कर रहे हैं। हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहेंगे मूवी प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ को दिखाने के लिए, और रिलीज़ प्रीमियर के साथ ये सब मूवी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रखा है। पूजा एंटरटेनमेंट्स और काफ़ी सारे प्रोड्यूसर लोग ने इस मूवी को प्रीमियर कर दिया जा चुका है, और ऑफिशियली इस मूवी को जब प्रीमियर कर दिया जाएगा तभी इस मूवी के चर्चे इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस टाइम हिंदी सिनेमा की ये सब मूवी देखने को मिलना और इस तरह की मूवीज़ के बारे में चर्चा होना काफ़ी अच्छी बात ही है कि दोस्तों मूवी लवर्स के लिए इस टाइम इतनी खास और इतनी अच्छी मूवी देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आप सभी को, ये सिनेमा की मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है जो ईद पर रिलीज़ करने के बाद चल रहे थे। बाद में दोस्तों इस मूवी के बारे में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी आए और इस मूवी के जब टीजर को रिलीज़ कर दिया, इतनी बड़ी एक्साइटिंग स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड मूवी बन चुकी है। दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों को ये मूवी फुल HD पर देखना है, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो सबसे पहले आप सभी को होने वाला है। और इतनी बड़ी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी के साथ आप सभी को ये मूवी देखने को मिल रहा है, जिसका सबसे बड़ी श्रेय और इस मूवी के रिलीज़ के रीज़न जाता है इस मूवी के कास्टिंग को ही, और इस मूवी के कास्टिंग जो इतने बड़े एक्टर्स को एक ही साथ कोलैबोरेशन पर लेकर बनाया है, जो कि लोग इस मूवी को देखकर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने 500 करोड़ से भी ज़्यादा के कलेक्शन जरूर करेगा। काफ़ी सारे लो बजट मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 400 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन देखने के बाद लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्रेलर देखकर ही लग रहा है लोगों को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट में सर बड़े मियाँ छोटी मियाँ हिंदी प्रीमियर फुल मूवी लेकर कमेंट करना मत भूलिएगा। 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की लीड कास्टिंग बनी हुई, जिसके सपोर्ट कर रहे पृथ्वीराज सुकुमार, मानुषी और सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ दोस्तों 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी अली अब्बास जफर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए वेट कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर के बारे में। काफ़ी लंबे वक्त से बड़े मियाँ छोटी मियाँ के बारे में चर्चा हो रखा था, और दोस्तों पहली बार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ कोलैबोरेशन पर काम कर रहे हैं, जिसके ऑपोजिट रोल में जी हाँ दोस्तों पृथ्वीराज सुकुमार, जिन्होंने सलार मूवी के अंदर एज ऑपोजिट रोल एज ए विलन के कैरेक्टर में उतर आए थे, इस टाइम भी वो एज ए नेगेटिव रोल नजर आ रहा है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए। दोस्तों काफ़ी लंबी वक्त हो चुका था मूवी के प्रीमियर को लेकर, और दोस्तों काफ़ी सारे लोग को इस तरह के मूवीज़ भी देखना था और हिंदी सिनेमा की ये सब मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। आज की वीडियो
हो उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है, जिन जिन लोगों ने इस मूवी को हिंदी पर प्रीमियर पर देखना पसंद कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे, वो सब लोग के लिए ये वीडियो सबसे खास होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करके बताना मत भूलिए, ताकि दोस्तों हम आप सभी को इस मूवी के रिलीज़ के बारे में जानकारी करवाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी और वन ऑफ द फाइनेस्ट कहानी के साथ बनी हुई ये मूवी के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए, ताकि दोस्तों आप सभी को हम बताएंगे कि मूवी के प्रीमियर के साथ बड़े मियाँ छोटी मियाँ की हिंदी प्रीमियर, इस मूवी के रिलीज और इस मूवी के अपकमिंग डेट में रिलीज और ये मूवी के प्रीमियर के बारे में। दोस्तों काफ़ी लंबी वक्त हो चुका है जो कि टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार के साथ कोलैबोरेशन पर मूवी आने की बात चल रहा था, पर दोस्तों लोगों को ये सब मूवी देखने को नहीं मिल रहा था। कुछ लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे दोनों की कोलैबोरेशन पर मूवी आएगी या नहीं, और मूवी के प्रीमियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे भी हो रखा था। दोस्तों रिलीज़ प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ के चर्चे होना काफ़ी अच्छी बात बनती भी है। और दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखी हो, मूवी के प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में, जो कि इस मूवी के यूट्यूब प्रीमियर पर और OTT रिलीज़ पर थिएटर रिलीज़ के बाद भी कर देंगे। और दोस्तों ये मूवी के रिलीज़ प्रीमियर क्या होगा और इस मूवी से जुड़ी सारी की सारी अपडेट आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें, April 9 पर इस मूवी को रिलीज़ करने वाले हैं थिएटर पर। दोस्तों इस मूवी का बजट 200 करोड़ से भी ज़्यादा के बजट पर इस मूवी को बनाया गया है। मूवी प्रीमियर के साथ इस मूवी के चर्चे भी इतना ज़्यादा हो रखा है कि दोस्तों लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इस मूवी से, इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन करना काफ़ी बड़ी बात रहती है। और दोस्तों मूवी प्रीमियर के साथ हम आप सभी को बता चुके हैं कि ऑलरेडी काफ़ी सारी मूवी के रिलीज़ के साथ इन मूवीज़ के बारे में चर्चे भी हो रखा था, और रिलीज़ प्रीमियर के साथ आप सभी को ये मूवी भी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिए, ताकि दोस्तों अच्छी खासी हिंदी सिनेमा की मूवी आप सभी को आसानी से भी देखने को मिल जाए। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक थ्रिलर एक्शन मूवी जिसको बजट 200 करोड़ के आसपास पर इस मूवी के बजट को बनाया गया है, जिसके बजट को लेकर लोग जो काफ़ी ज़्यादा चौंक चुके हैं मूवी के प्रीमियर और इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों काफ़ी बड़ी और काफ़ी एक्साइटिंग स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी के साथ लोग भी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे नई मूवी प्रीमियर के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों को ये सब मूवी देखना है, इस तरह की मूवी सिनेमा के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट टाइम मूवी प्रीमियर के साथ आप सभी को इस तरह की मूवी भी देखने को मिल रहा था। 2024 पर April 9 पर इस मूवी को प्रीमियर कर दिया जाएगा, तो कि दोस्तों ये मूवी के प्रीमियर के साथ रिलीज़ और मूवी की कहानी के बारे में काफ़ी सारे चर्चे हो रखा था। एक थ्रिलर मूवी जो हाल ही में फाइटर जब रिलीज हुआ, उसके साथ लोगों को काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था। फाइटर मूवी एक सक्सेसफुल मूवी बन चुका है, उसके साथ पहली बार कोलैबोरेशन पर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ काम करने के रीज़न से इस मूवी को लोग देखने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। इस मूवी की हिंदी प्रीमियर पर इंतज़ार करने के सबसे बड़े रीजन्स मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में चर्चे और इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट ही सबसे ज़्यादा आगे आता है। और दोस्तों हम भी दोस्तों आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी और अच्छी खासी मूवी के प्रीमियर के लिए इंतज़ार करवाएंगे, और वो सब मूवी भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा वीडियो प्रीमियर के साथ। और काफ़ी सारी नई मूवी के रिलीज़ प्रीमियर के साथ आप सभी को अच्छी खासी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम दोस्तों बॉलीवुड पर कुछ मूवीज़ रिलीज में आए थे, तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उन मूवीज़ के चर्चे उतना खास नहीं हुआ था, जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे कम ही रह गया था मूवी के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट खेलो या फिर आप। और दूसरी बात, क्योंकि दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इन मूवीज़ के चार्जे भी इतना ज़्यादा हो रखा था, रिलीज फिल्म के साथ मूवीज़ के बारे में कहानी और अपडेट भी काफ़ी ज़्यादा मिल गया था। हम आप सभी को बताएंगे अपकमिंग डेज में आने वाली अब काफ़ी सारी बेहतरीन और सिनेमा की मूवी के बारे में, जो कि रिलीज फिल्म के साथ उनकी कहानियाँ भी दोस्तों काफ़ी बड़ी हो गई है। और दोस्तों आप सभी बता दें, अक्षय कुमार ने पहली बार टाइगर श्रॉफ के साथ कोलैबोरेशन पर काम करने वाले हैं, जिसके प्रीमियर के बारे में लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो कि 200 करोड़ के बजट पर बनाया गया। इस मूवी को April 9 पर थिएटर रिलीज़ करेंगे दोस्तों। OTT प्रीमियर इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर पर भी रिलीज़ करवाएंगे। अली अब्बास जफर, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस कर चुकी है, अली अब्बास जफर ने इससे पहले सुल्तान 2016 की सबसे पॉपुलर मूवी और 2019 की भारत, 2017 की टाइगर जिंदा है जैसी मूवी को इन्होंने ही डायरेक्ट किया था, जिनमें से 2023 की जो कि वेब मूवी ब्लडी डैडी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। इतनी पॉपुलर मूवी के डायरेक्टर के साथ इन्होंने इस टाइम बड़े मियाँ छोटी मियाँ, जो कि एक बेहतरीन जो कि 90s की मूवीज़ के नाम से इन्होंने एक्शन थ्रिलर मूवी को हायर कर रहे, और उन्होंने बता रहे कि इस टाइम इन्होंने बड़ी मूवी को हाथ रखे है, जिसके प्रीमियर के साथ लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आप सभी को इस वीडियो को
लाइक करना है तो दोस्तों आप लोगों ने लाइक करिए, और बताइए अपकमिंग डेज़ में आने वाले इस मूवी को देखने के लिए कौन कौन लोग ज़्यादा एक्साइटेड है। दोस्तों इस मूवी के प्रीमियर के साथ आप सभी को कौन सी मूवी देखना है आप हमें कमेंट करना मत भूलें। तो दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ सर की कुछ मूवीज़ बैक टू बैक फ्लॉप होने के बाद इस टाइम अक्षय कुमार ने उनको लेकर बड़ी मूवी अली हाफिज जबर ने इतनी हाईएस्ट बजट के साथ मूवी को बनाया, जो कि इस मूवी के बजट ही दोनों ही एक्टर को पेड़ करने में लगा है, जिसकी रीज़न से थ्रिलर मूवी भी सबसे ज़्यादा बजट पर बना है। और इस टाइम जो कि इतने लंबे वक्त के बाद बड़े एक्टर्स को एक ही साथ ले के आना और इन मूवीज़ के प्रीमियर पर रिलीज़ कर देना काफ़ी बड़ी बात रहती है। और दोस्तों हम आप सभी को बता देते हैं दोस्तों इस मूवी के सबसे बड़ी चांसेस और रिलीज फिल्म के साथ बात ये मूवी के किरदार और इस मूवी के कहानी के रीजन से सोनाक्षी सिन्हा को भी इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में लेके आया है। काफ़ी लंबे वक्त के बाद सोनाक्षी सिन्हा को मूवीज़ के अंदर आप देख पा रहे हो, उनकी कुछ मूवीज़ रिलीज में आने के बावजूद भी उतने ज़्यादा खास नहीं चल रहे थे और उनकी मूवीज़ के ऑफर भी कम आने लगे थे, जिसके रीज़न से सोनाक्षी सिन्हा की मूवी कम हो रहे थे। हम आप सभी को बता दें अली अब्बास जफर जिन्होंने टाइगर जिंदा है सुल्तान जैसी ऑल टाइम हाईएस्ट रिकॉर्ड मूवी को बनाया है, जिसके रीज़न से बड़े मियाँ छोटे मियाँ जब प्रीमियर करेंगे अप्रैल 9 पर, इस मूवी को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आपसे बता दें इस मूवी को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज करेंगे। यशराज फिल्म्स और PVR इनवॉक्स पिक्चर्स ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, सिनेमाग्राफी और मैरकिन लैक्वेंस ने किया है, और इस मूवी के अंदर दोनों एक्टर की लीड कास्टिंग इक्वल रहेगी। जी हाँ दोस्तों, एक थ्रिलर मूवी होने के रीजन से इस मूवी के अंदर हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी कहानी कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों पिछले टाइम रिलीज प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ के सबसे ज़्यादा चर्चा होने की सबसे बड़ी रीजंस मूवी की कहानी रही थी, और मूवी कहानी कॉन्सेप्ट के साथ मूवी को प्रीमियर कर दिया जा रहा है। बड़े मियाँ छोटी मियाँ जब अप्रैल 9 पर रिलीज कर दिया जाएगा, उसी वक्त से मूवी के नई कहानी कॉन्सेप्ट भी अपडेट में आया जाएगा और लोगों को अच्छी खासी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। आप हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए, मूवी प्रीमियर के साथ हम आप सभी को बड़ी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी प्रीमियर करवाएंगे। और दोस्तों अक्षय कुमार ने हीरा फेरी की तीसरी सीजन की फाइनल शूटिंग कंप्लीट करवा चुके हैं, और इन्होंने 2024 के अप्रैल पर इस मूवी की लीड कास्टिंग के बाद एंडिंग तक उनको हीरा फेरी की तीसरी सीक्वल देखने को मिल जाएगा। बैक टू बैक मूवी फ्लॉप के बाद उन्होंने उतनी खास बड़ी मूवी के अंदर काम करना ही छोड़ दिया था, जैसे कि लोगों ने एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके साथ नई मूवी के प्रीमियर के लिए। पर दोस्तों ये सब बात रुक चुका है, और बैक टू बैक उन्होंने एक साल के अंदर 10 मूवी करने के रीजन से उनकी मूवीज़ को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतना खास रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि दोस्तों बड़े मियाँ छोटी मियाँ जो कि रिलीज प्रीमियर के साथ इस मूवी के एक्शन थ्रिलर सीन्स और ट्रेलर की जो TRP इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके रीज़न से लोग इस मूवी की हिंदी प्रीमियर पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस मूवी के किरदार को लिए लोग इंतज़ार कर सकते हैं। इसकी बड़ी बात इस मूवी की हिंदी प्रीमियर की सबसे बड़ी बात है, ऑलरेडी रिलीज हुई गोविंदा और अमिताभ बच्चन की कास्टिंग पर बनी हुई एक पुलिस की मूवी रही थी, पर दोस्तों ये कुछ अलग ही किरदार पर बनने वाली रीमेक मूवी नहीं है। इस मूवी की कहानी कुछ अलग ही किरदार पर बनने वाली रहेगी है, और लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए। दोस्तों मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप लोगों ने इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी के हिंदी सिनेमा के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों ईद पर इस मूवी को रिलीज़ करने के बाद चल रहे थे और फिर भी अपडेट और काफ़ी सारे लोग इस तरह के मूवी प्रीमियर के लिए भी इंतज़ार कर रहे हैं। हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहेंगे मूवी प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ को दिखाने के लिए और रिलीज़ प्रीमियर के साथ ये सब मूवी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रखा है। पूजा एंटरटेनमेंट्स और काफ़ी सारे प्रोड्यूसर लोग ने इस मूवी को प्रीमियर कर दिया जा चुका है, और ऑफिशियली इस मूवी को जब प्रीमियर कर दिया जाएगा तभी इस मूवी के चर्चे इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस टाइम हिंदी सिनेमा की यह सब मूवी देखने को मिलना और इस तरह की मूवीज़ के बारे में चर्चा होना काफ़ी अच्छी बात ही है कि दोस्तों मूवी लवर्स के लिए इस टाइम इतनी खास और इतनी अच्छी मूवी देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आप सभी को ये सिनेमा की मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है, जो ईद पर रिलीज़ करने के बाद चल रहे थे। बाद में दोस्तों इस मूवी के बारे में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी आए और इस मूवी के जब टीजर को रिलीज़ कर दिया, इतनी बड़ी एक्साइटिंग स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड मूवी बन चुकी है। दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों को ये मूवी फुल HD पर देखना है, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो सबसे पहले आप सभी को होने वाला है। और इतनी बड़ी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी के साथ आप सभी को ये मूवी देखने को मिल रहा है, जिसका सबसे बड़ी श्रेय और इस मूवी के रिलीज़ के रीज़न जाता है इस मूवी के कास्टिंग को ही और इस मूवी
मूवी के कास्टिंग जो इतने बड़े एक्टर्स को एक ही साथ कोलैबोरेशन पर लेकर बनाया है, जो कि लोग इस मूवी को देखकर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने 500 करोड़ से भी ज़्यादा के कलेक्शन ज़रूर करेगा। काफ़ी सारे लो बजट मूवी ने नहीं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 400 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन देखने के बाद लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्रेलर देखकर ही लग रहा है लोगों को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में सर बड़े मियाँ छोटी मियाँ हिंदी प्रीमियर फुल मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की लीड कास्ट में बनी हुई, जिसके सपोर्ट कर रहे पृथ्वीराज सुकुमार, मानुषी और सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी अली अब्बास जफर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए वेट कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर के बारे में। काफी लंबे वक्त से बड़े मियां छोटी मियां के बारे में चर्चा हो रखा था, और दोस्तों पहली बार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ कोलैबोरेशन पर काम कर रहे हैं, जिसके ऑपोजिट रोल में, जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज सुकुमार, जिन्होंने सलार मूवी के अंदर एज ऑपोजिट रोल एज ए विलन के कैरेक्टर में वो उतर आए थे, इस टाइम भी वो एज ए नेगेटिव रोल नजर आ रहा है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए। दोस्तों काफ़ी लंबी वक्त हो चुका था मूवी के प्रीमियर को लेकर, और दोस्तों काफ़ी सारे लोग को इस तरह की मूवीज़ भी देखना था और हिंदी सिनेमा की ये सब मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। आज की वीडियो उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इस मूवी को हिंदी पर प्रीमियर पर देखना पसंद कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे, वो सब लोग के लिए ये वीडियो सबसे खास होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके बताना मत भूलिए, ताकि दोस्तों हम आप सभी को इस मूवी के रिलीज के बारे में जानकारी करवाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी और वन ऑफ द फाइनेस्ट कहानी के साथ बनी हुई ये मूवी के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए, ताकि दोस्तों आप सभी को हम बताएंगे कि मूवी के प्रीमियर के साथ बड़े मियाँ छोटी मियाँ की हिंदी प्रीमियर, इस मूवी के रिलीज और इस मूवी के अपकमिंग डेट में रिलीज और ये मूवी के प्रीमियर के बारे में। दोस्तों काफ़ी लंबी वक्त हो चुका है जो कि टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार के साथ कोलैबोरेशन पर मूवी आने की बात चल रहा था, पर दोस्तों लोगों को ये सब मूवी देखने को नहीं मिल रहा था। कुछ लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे दोनों की कोलैबोरेशन पर मूवी आएगी या नहीं, और मूवी के प्रीमियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे भी हो रखा था। दोस्तों रिलीज़ प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ के चर्चे होना काफ़ी अच्छी बात बनती भी है। और दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखी हो, मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में, जो कि इस मूवी के यूट्यूब प्रीमियर पर और OTT रिलीज पर थिएटर रिलीज के बाद भी कर देंगे। और दोस्तों ये मूवी के रिलीज प्रीमियर क्या होगा और इस मूवी से जुड़ी सारी की सारी अपडेट आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें, अप्रैल 9 पर इस मूवी को रिलीज करने वाले हैं थिएटर पर। दोस्तों इस मूवी का बजट 200 करोड़ से भी ज़्यादा के बजट पर इस मूवी को बनाया गया है। मूवी प्रीमियर के साथ इस मूवी के चर्चे भी इतना ज़्यादा हो रखा है कि दोस्तों लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इस मूवी से इतनी बड़ी, एक्सपेक्टेशन करना काफ़ी बड़ी बात रहती है। और दोस्तों मूवी प्रीमियर के साथ हम आप सभी को बता चुके हैं कि ऑलरेडी काफ़ी सारे मूवी के रिलीज़ के साथ इन मूवीज़ के बारे में चर्चे भी हो रखा था, और रिलीज़ प्रीमियर के साथ आप सभी को ये मूवी भी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिए, ताकि दोस्तों अच्छी खासी हिंदी सिनेमा की मूवी आप सभी को आसानी से भी देखने को मिल जाए। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक थ्रिलर एक्शन मूवी, जिसको बजट 200 करोड़ के आसपास पर इस मूवी के बजट को बनाया गया है, जिसके बजट को लेकर लोग जो काफ़ी ज़्यादा चौंक चुके हैं मूवी के प्रीमियर और इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों काफ़ी बड़ी और काफ़ी एक्साइटिंग स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी के साथ लोग भी ज़्यादा इंतजार कर रहे थे नई मूवी प्रीमियर के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों को ये सब मूवी देखना है, इस तरह की मूवी सिनेमा के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट टाइम मूवी प्रीमियर के साथ आप सभी को इस तरह की मूवी भी देखने को मिल रहा था। 2024 पर अप्रैल 9 पर इस मूवी को प्रीमियर कर दिया जाएगा, तो कि दोस्तों ये मूवी के प्रीमियर के साथ रिलीज़ और मूवी की कहानी के बारे में काफ़ी सारे चर्चे हो रखा था। एक थ्रिलर मूवी जो हाल ही में फाइटर जब रिलीज हुआ, उसके साथ लोगों को काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था। फाइटर मूवी एक सक्सेसफुल मूवी बन चुका है, उसके साथ पहली बार कोलैबोरेशन पर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ काम करने के रीज़न से इस मूवी को लोग देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर पर इंतजार करने के सबसे बड़े रीजन्स मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में चर्चे और इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट ही सबसे ज़्यादा आगे आता है। और
दोस्तों हम भी दोस्तों आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी और अच्छी खासी मूवी के प्रीमियर के लिए इंतज़ार करवाएंगे और वो सब मूवी भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा वीडियो प्रीमियर के साथ और काफ़ी सारी नई मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ आप सभी को अच्छी खासी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम दोस्तों बॉलीवुड पर कुछ मूवीज़ रिलीज में आए थे तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उन मूवीज़ के साथ से उतना खास नहीं हुआ था जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, उससे कम ही रह गया था मूवी के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कह लो या फिर आप और दूसरी बात, क्योंकि दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इन मूवीज़ के चार्ज से भी इतना ज़्यादा हो रखा था, रिलीज फिल्म के साथ मूवीज़ के बारे में कहानी और अपडेट भी काफ़ी ज़्यादा मिल गया था। हम आप सभी को बताएंगे अपकमिंग डेज में आने वाली अब काफ़ी सारी बेहतरीन और सिनेमा की मूवी के बारे में जो कि रिलीज फिल्म के साथ उनकी कहानियाँ भी दोस्तों काफ़ी बड़ी हो गई है। और दोस्तों आप सभी को बता दें अक्षय कुमार ने पहली बार टाइगर श्रॉफ के साथ कोलैबोरेशन पर काम करने वाले हैं जिसके प्रीमियर के बारे में लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो कि 200 करोड़ के बजट पर बनाया गया। इस मूवी को अप्रैल 9 पर थिएटर रिलीज करेंगे दोस्तों, OTT प्रीमियर इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर पर भी रिलीज़ करवाएंगे। अली अब्बास जफर जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस कर चुकी है, अली अब्बास जफर ने इससे पहले सुल्तान 2016 की सबसे पॉपुलर मूवी और 2019 की भारत 2017 की टाइगर जिंदा है जैसी मूवी को इन्होंने ही डायरेक्ट किया था, जिनमें से 2023 की जो कि वेब मूवी ब्लडी डैडी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। इतनी पॉपुलर मूवी के डायरेक्टर के साथ इन्होंने इस टाइम बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो कि एक बेहतरीन जो कि 90s की मूवीज़ के नाम से इन्होंने एक्शन थ्रिलर मूवी को हायर कर रहे हैं और उन्होंने बता रहे हैं कि इस टाइम इन्होंने बड़ी मूवी को हाथ रखे है जिसके प्रीमियर के साथ लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना है तो दोस्तों आप लोगों ने लाइक करिए और बताइए अपकमिंग डेज में आने वाले इस मूवी को देखने के लिए कौन कौन लोग ज़्यादा एक्साइटेड है। दोस्तों इस मूवी के प्रीमियर के साथ आप सभी को कौन सी मूवी देखना है आप हमें कमेंट करना मत भूलिए। तो दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ सर की कुछ मूवीज़ बैक टू बैक फ्लॉप होने के बाद इस टाइम अक्षय कुमार ने उनको लेकर बड़ी मूवी अली अफज जबर ने इतनी हाईएस्ट बजट के साथ मूवी को बनाया, जो कि इस मूवी के बजट ही दोनों ही एक्टर को पेड करने में लगा है, जिसकी रीज़न से थ्रिलर मूवी भी सबसे ज़्यादा बजट पर बना है। और इस टाइम जो कि इतने लंबे वक्त के बाद बड़े एक्टर्स को एक ही साथ ले के आना और इन मूवीज़ के प्रीमियर पर रिलीज़ कर देना काफ़ी बड़ी बात रहती है। और दोस्तों हम आप सभी को बता दें दोस्तों इस मूवी के सबसे बड़ी चांसेस और रिलीज फिल्म के साथ बात ये मूवी के किरदार और इस मूवी के कहानी के रीजन से सोनाक्षी सिन्हा को भी इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में लेके आया है। काफ़ी लंबे वक्त के बाद सोनाक्षी सिन्हा को मूवीज़ के अंदर आप देख पा रहे हो, उनकी कुछ मूवीज़ रिलीज़ में आने के बावजूद भी उतना ज़्यादा खास नहीं चल रहे थे और उनकी मूवीज़ के ऑफ़र भी कम आने लगे थे, जिसके रीज़न से सोनाक्षी सिन्हा की मूवी कम हो रहे थे। हम आप सभी को बता दें अली अब्बास जफर जिन्होंने टाइगर जिंदा है सुल्तान जैसी ऑल टाइम हाईएस्ट रिकॉर्ड मूवी को बनाया है, जिसके रीज़न से बड़े मियाँ छोटे मियाँ जब प्रीमियर करेंगे अप्रैल 9 पर इस मूवी को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों आपसे बता दें इस मूवी को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज करेंगे। यशराज फिल्म्स और PVR इनवॉक्स पिक्चर्स ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, सिनेमाग्राफी और मैरकिन लैकुंस ने किया है और इस मूवी के अंदर दोनों एक्टर की लीड कास्टिंग इक्वल रहेगी। जी हाँ दोस्तों, एक थ्रिलर मूवी होने के रीजन से इस मूवी के अंदर हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी कहानी कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों पिछले टाइम रिलीज फिल्म के साथ इन मूवीज़ के सबसे ज़्यादा चर्चा होने के सबसे बड़े रीजंस मूवी की कहानी रही थी और मूवी कहानी कॉन्सेप्ट के साथ मूवी को प्रीमियर कर दिया जा रहा है। बड़े मियाँ छोटी मियाँ जब अप्रैल 9 पर रिलीज़ कर दिया जाएगा उसी वक्त से मूवी के नई कहानी कॉन्सेप्ट भी अपडेट में आया जाएगा और लोगों को अच्छी खासी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। आप हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए मूवी प्रीमियर के साथ हम आप सभी को बड़ी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी प्रीमियर करवाएंगे। और दोस्तों अक्षय कुमार ने हीरा फेरी की तीसरी सीक्वल के फाइनल शूटिंग कंप्लीट करवा चुके हैं और इन्होंने 2024 के अप्रैल पर इस मूवी की लीड कास्टिंग के बाद एंडिंग तक उनको हीरा फेरी की तीसरी सीक्वल देखने को मिल जाएगा। बैक टू बैक मूवी फ्लॉप के बाद उन्होंने उतनी खास बड़ी मूवी के अंदर काम करना ही छोड़ दिया था जैसे कि लोगों ने एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके साथ नई मूवी के प्रीमियर के लिए, पर दोस्तों ये सब बात रुक चुका है और बैक टू बैक उन्होंने एक साल के अंदर 10 मूवी करने के रीजन से उनकी मूवीज़ को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतना खास रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। हम आप सभी को बताना चाहेंगे दोस्तों बड़े मियाँ छोटी मियाँ जो कि रिलीज प्रीमियर के साथ इस मूवी के एक्शन थ्रिलर सीन्स और ट्रेलर की जो TRP इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके रीज़न से लोग इस मूवी की हिंदी प्रीमियर पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस मूवी के किरदार को लोग इंतजार कर सकते हैं। इसकी बड़ी
बात इस मूवी की हिंदी प्रीमियर की सबसे बड़ी बात ये ऑलरेडी रिलीज हुई गोविंदा और अमिताभ बच्चन की कास्टिंग पर बनी हुई एक पुलिस की मूवी रही थी, पर दोस्तों ये कुछ अलग ही किरदार पर बनने वाली रीमेक मूवी नहीं है। इस मूवी की कहानी कुछ अलग ही किरदार पर बनने वाली रहेगी है और लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए। दोस्तों मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप लोगों ने इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी के हिंदी सिनेमा के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों ईद पर इस मूवी को रिलीज़ करने की बात चल रहे थे और फिर भी अपडेट और काफ़ी सारे लोग इस तरह के मूवी प्रीमियर के लिए भी इंतज़ार कर रहे हैं। हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहेंगे मूवी प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ को दिखाने के लिए और रिलीज़ प्रीमियर के साथ ये सब मूवी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रखा है। पूजा एंटरटेनमेंट्स और काफ़ी सारे प्रोड्यूसर लोग ने इस मूवी को प्रीमियर कर दिया जा चुका है और ऑफिशियली इस मूवी को जब प्रीमियर कर दिया जाएगा तभी इस मूवी के चर्चे इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस टाइम हिंदी सिनेमा की ये सब मूवी देखने को मिलना और इस तरह की मूवीज़ के बारे में चर्चा होना काफ़ी अच्छी बात ही है कि दोस्तों मूवी लवर्स के लिए इस टाइम इतनी खास और इतनी अच्छी मूवी देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आप सभी को ये सिनेमा की मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है जो ईद पर रिलीज़ करने के बाद चल रहे थे। बाद में दोस्तों इस मूवी के बारे में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी आए और इस मूवी के जब टीचर को रिलीज़ कर दिया, इतनी बड़ी एक्साइटिंग स्टोरी कंसेप्ट बेस्ड मूवी बन चुकी है। दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों को ये मूवी फुल एचडी पर देखना है, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो सबसे पहले आप सभी को होने वाला है और इतनी बड़ी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी के साथ आप सभी को ये मूवी देखने को मिल रहा है जिसका सबसे बड़ी श्रेय और इस मूवी के रिलीज़ के रीज़न जाता है इस मूवी के कास्टिंग को ही और इस मूवी के कास्टिंग जो इतने बड़े एक्टर्स को एक ही साथ कोलैबोरेशन पर लेकर बनाया है जो कि लोग इस मूवी को देखकर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने 500 करोड़ से भी ज़्यादा के कलेक्शन जरूर करेगा। काफ़ी सारे लो बजट मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 400 करोड़ से भी ज़्यादा के कलेक्शन देखने के बाद लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्रेलर देखकर ही लग रहा है लोगों को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में सर बड़े मियाँ छोटी मियाँ हिंदी प्रीमियर फुल मूवी लेकर कमेंट करना मत भूलिएगा। 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जी हाँ दोस्तों अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की लीड कास्टिंग बनी हुई जिसके सपोर्ट कर रहे पृथ्वीराज सुकुमार, मानुषी और सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ दोस्तों 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी अली अब्बास जफर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए वेट कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर के बारे में। काफ़ी लंबे वक्त से बड़े मियाँ छोटी मियाँ के बारे में चर्चा हो रखा था और दोस्तों पहली बार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ कोलैबोरेशन पर काम कर रहे हैं जिसके ऑपोजिट रोल में, जी हाँ दोस्तों पृथ्वीराज सुकुमार जिन्होंने सलार मूवी के अंदर एज ऑपोजिट रोल एज ए विलन के कैरेक्टर में उतर आए थे, इस टाइम भी वो एज ए नेगेटिव रोल नजर आ रहा है जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए। दोस्तों काफ़ी लंबी वक्त हो चुका था मूवी के प्रीमियर को लेकर और दोस्तों काफ़ी सारे लोग को इस तरह के मूवीज़ भी देखना था और हिंदी सिनेमा की ये सब मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। आज की वीडियो उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इस मूवी को हिंदी पर प्रीमियर पर देखना पसंद कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे, वो सब लोग के लिए ये वीडियो सबसे खास होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके बताना मत भूलिए ताकि दोस्तों हम आप सभी को इस मूवी के रिलीज के बारे में जानकारी करवाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी और वन ऑफ द फाइनेस्ट कहानी के साथ बनी हुई ये मूवी के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए ताकि दोस्तों आप सभी को हम बताएंगे कि मूवी के प्रीमियर के साथ बड़े मियाँ छोटी मियाँ की हिंदी प्रीमियर, इस मूवी के रिलीज़ और इस मूवी के अपकमिंग डेट में रिलीज़ और ये मूवी के प्रीमियर के बारे में। दोस्तों काफ़ी लंबी वक्त हो चुका है जो कि टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार के साथ कोलैबोरेशन पर मूवी आने की बात चल रहा था, पर दोस्तों लोगों को ये सब मूवी देखने को नहीं मिल रहा था। कुछ लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे दोनों की कोलैबोरेशन पर मूवी आएगी या नहीं और मूवी के प्रीमियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे भी हो रखा था। दोस्तों रिलीज़ प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ के चर्चे होना काफ़ी अच्छी बात बनती भी है। और दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखी हो, मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में जो कि इस मूवी के YouTube प्रीमियर पर और OTT रिलीज पर थिएटर रिलीज के बाद भी कर देंगे। और दोस्तों ये मूवी के रिलीज प्रीमियर क्या होगा और इस मूवी से जुड़ी सारी की सारी अपडेट आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें अप्रैल 9 पर इस मूवी को रिलीज करने वाले हैं थिएटर पर। दोस्तों इस मूवी का बजट 200 करोड़ से भी ज़्यादा के बजट पर इस मूवी को बनाया गया है। मूवी प्रीमियर के साथ इस मूवी के चार्ज भी इतना ज़्यादा
हो रखा है कि दोस्तों लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इस मूवी से इतनी बड़ी। एक्सपेक्टेशन करना काफ़ी बड़ी बात रहती है। और दोस्तों मूवी प्रीमियर के साथ हम आप सभी को बता चुके हैं कि ऑलरेडी काफ़ी सारी मूवी के रिलीज़ के साथ इन मूवीज़ के बारे में चर्चे भी हो रखा था, और रिलीज़ फिल्म के साथ आप सभी को ये मूवी भी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए, ताकि दोस्तों अच्छी खासी हिंदी सिनेमा की मूवी आप सभी को आसानी से भी देखने को मिल जाए। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक थ्रिलर एक्शन मूवी जिसको बजट 200 करोड़ के आसपास पर इस मूवी के बजट को बनाया गया है, जिसके बजट को लेकर लोग जो काफ़ी ज़्यादा चौंक चुके हैं मूवी के प्रीमियर और इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों काफ़ी बड़ी और काफ़ी एक्साइटिंग स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी के साथ लोग भी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे नई मूवी प्रीमियर के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों को ये सब मूवी देखना है, इस तरह की मूवी सिनेमा के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट टाइम मूवी प्रीमियर के साथ आप सभी को इस तरह की मूवी भी देखने को मिल रहा था। 2024 पर अप्रैल 9 पर इस मूवी को प्रीमियर कर दिया जाएगा, तो कि दोस्तों ये मूवी के प्रीमियर के साथ रिलीज़ और मूवी की कहानी के बारे में काफ़ी सारे चर्चे हो रखा था। एक थ्रिलर मूवी जो हाल ही में फाइटर जब रिलीज हुआ उसके साथ लोगों को काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था। फाइटर मूवी एक सक्सेसफुल मूवी बन चुका है, उसके साथ पहली बार कोलैबोरेशन पर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ काम करने के रीजन से इस मूवी को लोग देखने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर पर इंतज़ार करने के सबसे बड़े रीजन्स मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में चर्चे और इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट ही सबसे ज़्यादा आगे आता है। और दोस्तों हम भी दोस्तों आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी और अच्छी खासी मूवी के प्रीमियर के लिए इंतज़ार करवाएंगे, और वो सब मूवी भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा वीडियो प्रीमियर के साथ। और काफ़ी सारी नई मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ आप सभी को अच्छी खासी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम दोस्तों बॉलीवुड पर कुछ मूवीज़ रिलीज में आए थे, तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उन मूवीज़ के चर्चे उतना खास नहीं हुआ था जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, उससे कम ही रह गया था मूवी के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कह लो या फिर आप। और दूसरी बात, क्योंकि दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इन मूवीज़ के चार्जे भी इतना ज़्यादा हो रखा था, रिलीज फिल्में के साथ मूवीज़ के बारे में कहानी और अपडेट भी काफ़ी ज़्यादा मिल गया था। हम आप सभी को बताएंगे अपकमिंग डेज में आने वाली अब काफ़ी सारी बेहतरीन और सिनेमा की मूवी के बारे में, जो कि रिलीज फिल्में के साथ उनकी कहानियाँ भी दोस्तों काफ़ी बड़ी हो गई है। और दोस्तों आप सभी बता दें अक्षय कुमार ने पहली बार टाइगर श्रॉफ के साथ कोलैबोरेशन पर काम करने वाले हैं, जिसके प्रीमियर के बारे में लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो कि 200 करोड़ के बजट पर बनाया गया। इस मूवी को अप्रैल 9 पर थिएटर रिलीज करेंगे दोस्तों। OTT प्रीमियर इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर पर भी रिलीज़ करवाएंगे। अली अब्बास जफर जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस कर चुकी है, अली अब्बास जफर ने इससे पहले सुल्तान 2016 की सबसे पॉपुलर मूवी और 2019 की भारत, 2017 की टाइगर जिंदा है जैसी मूवी को इन्होंने ही डायरेक्ट किया था, जिनमें से 2023 की जो कि वेब मूवी ब्लडी डैडी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। इतनी पॉपुलर मूवी के डायरेक्टर के साथ इन्होंने इस टाइम बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो कि एक बेहतरीन जो कि 90s की मूवीज़ के नाम से इन्होंने एक्शन थ्रिलर मूवी को हायर कर रहे हैं, और उन्होंने बता रहे हैं कि इस टाइम इन्होंने बड़ी मूवी को हाथ रखे हैं, जिसके प्रीमियर के साथ लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना है, तो दोस्तों आप लोगों ने लाइक करिए और बताइए अपकमिंग डेज में आने वाले इस मूवी को देखने के लिए कौन कौन लोग ज़्यादा एक्साइटेड है। दोस्तों इस मूवी के प्रीमियर के साथ आप सभी को कौन सी मूवी देखना है आप हमें कमेंट करना मत भूलिए। तो दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ सर की कुछ मूवीज़ बैक टू बैक फ्लॉप होने के बाद इस टाइम अक्षय कुमार ने उनको लेकर बड़ी मूवी अली अफज जबर ने इतनी हाईएस्ट बजट के साथ मूवी को बनाया, जो कि इस मूवी के बजट ही दोनों ही एक्टर को पेड़ करने में लगा है, जिसके रीज़न से थ्रिलर मूवी भी सबसे ज़्यादा बजट पर बनाया है। और इस टाइम जो कि इतने लंबे वक्त के बाद बड़े एक्टर्स को एक ही साथ ले के आना और इन मूवीज़ के प्रीमियर पर रिलीज़ कर देना काफ़ी बड़ी बात रहती है। और दोस्तों हम आप सभी को बता देते हैं दोस्तों इस मूवी के सबसे बड़ी चांसेस और रिलीज फिल्म के साथ बात ये मूवी के किरदार और इस मूवी के कहानी के रीजन से सोनाक्षी सिन्हा को भी इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में लेके आया है। काफ़ी लंबे वक्त के बाद सोनाक्षी सिन्हा को मूवीज़ के अंदर आप देख पा रहे हो, उनकी कुछ मूवीज़ रिलीज में आने के बावजूद भी उतना ज़्यादा खास नहीं चल रहे थे और उनकी मूवीज़ के ऑफर भी कम आने लगे थे, जिसके रीज़न से सोनाक्षी सिन्हा की मूवी कम हो रहे थे। हम आप सभी को बता दें अली अब्बास जफर जिन्होंने टाइगर जिंदा है सुल्तान जैसी ऑल टाइम हाईएस्ट रिकॉर्ड मूवी को बनाया है, जिसके रीज़न से बड़े मियाँ छोटे मियाँ जब प्रीमियर करेंगे अप्रैल 9 पर, इस मूवी को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों आपसे बता दें इस मूवी को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज करेंगे। यशराज फिल्म्स और PVR इनवॉक्स पिक्चर्स ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, सिनेमाग्राफी और मैरकिन लैक्वेंस ने किया है, और इस मूवी के अंदर दोनों एक्टर की लीड कास्टिंग इक्वल रहेगी।
जी हाँ दोस्तों, एक थ्रिलर मूवी होने के रीज़न से इस मूवी के अंदर हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी कहानी कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों पिछले टाइम रिलीज फिल्म के साथ इन मूवीज़ के सबसे ज़्यादा चर्चे होने की सबसे बड़ी रीजंस मूवी की कहानी रही थी। और मूवी कहानी कॉन्सेप्ट के साथ मूवी को प्रीमियर कर दिया जा रहा है। बड़े मियाँ छोटी मियाँ जब अप्रैल 9 पर रिलीज कर दिया जाएगा, उसी वक्त से मूवी के नई कहानी कॉन्सेप्ट भी अपडेट में आया जाएगा और लोगों को अच्छी खासी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। आप हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए। मूवी प्रीमियर के साथ हम आप सभी को बड़ी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी प्रीमियर करवाएंगे। और दोस्तों अक्षय कुमार ने हीरा फेरी की तीसरी सीजन की फाइनल शूटिंग कंप्लीट करवा चुके हैं और इन्होंने 2024 के अप्रैल पर इस मूवी की लीड कास्टिंग के बाद एंडिंग तक उनको हीरा फेरी की तीसरी सीक्वल देखने को मिल जाएगा। बैक टू बैक मूवी फ्लॉप के बाद उन्होंने उतनी खास बड़ी मूवी के अंदर काम करना ही छोड़ दिया था जैसे कि लोगों ने एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके साथ नई मूवी के प्रीमियर के लिए। पर दोस्तों ये सब बात रुक चुका है और बैक टू बैक उन्होंने एक साल के अंदर 10 मूवी करने के रीजन से उनकी मूवीज़ को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतना खास रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि दोस्तों बड़े मियाँ छोटी मियाँ जो कि रिलीज प्रीमियर के साथ इस मूवी के एक्शन थ्रिलर सीन्स और ट्रेलर की जो TRP इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जिसके रीज़न से लोग इस मूवी की हिंदी प्रीमियर पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस मूवी के किरदार को लोग इंतजार कर सकते हैं। इसकी बड़ी बात इस मूवी की हिंदी प्रीमियर की सबसे बड़ी बात है, ऑलरेडी रिलीज हुई गोविंदा और अमिताभ बच्चन की कास्टिंग पर बनी हुई एक पुलिस की मूवी रही थी। पर दोस्तों ये कुछ अलग ही किरदार पर बनने वाली रीमेक मूवी नहीं है, इस मूवी की कहानी कुछ अलग ही किरदार पर बनने वाली रहेगी है और लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इस तरह की मूवीज़ के प्रीमियर के लिए। दोस्तों मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप लोगों ने इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी के हिंदी सिनेमा के लिए इंतजार कर रहे थे तो दोस्तों ईद पर इस मूवी को रिलीज़ करने के बाद चल रहे थे और फिर भी अपडेट और काफ़ी सारे लोग इस तरह के मूवी प्रीमियर के लिए भी इंतजार कर रहे हैं। हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहेंगे मूवी प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ को दिखाने के लिए और रिलीज़ प्रीमियर के साथ ये सब मूवी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रखा है। पूजा एंटरटेनमेंट्स और काफ़ी सारे प्रोड्यूसर लोग ने इस मूवी को प्रीमियर कर दिया जा चुका है और ऑफिशियली इस मूवी को जब प्रीमियर कर दिया जाएगा तभी इस मूवी के चर्चे इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस टाइम हिंदी सिनेमा की यह सब मूवी देखने को मिलना और इस तरह की मूवीज़ के बारे में चर्चा होना काफ़ी अच्छी बात ही है कि दोस्तों मूवी लवर्स के लिए इस टाइम इतनी खास और इतनी अच्छी मूवी देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आप सभी को यह सिनेमा की मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है जो ईद पर रिलीज़ करने के बाद चल रहे थे। बाद में दोस्तों इस मूवी के बारे में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी आए और इस मूवी के जब टीजर को रिलीज़ कर दिया, इतनी बड़ी एक्साइटिंग स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड मूवी बन चुकी है। दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों को ये मूवी फुल HD पर देखना है, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे तो दोस्तों ये वीडियो सबसे पहले आप सभी को होने वाला है और इतनी बड़ी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी के साथ आप सभी को ये मूवी देखने को मिल रहा है जिसका सबसे बड़ी श्रेय और इस मूवी के रिलीज़ के रीज़न जाता है इस मूवी के कास्टिंग को ही। और इस मूवी के कास्टिंग जो इतने बड़े एक्टर्स को एक साथ कोलैबोरेशन पर लेकर बनाया है जो कि लोग इस मूवी को देखकर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने 500 करोड़ से भी ज़्यादा के कलेक्शन जरूर करेगा। काफ़ी सारे लो बजट मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 400 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन देखने के बाद लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्रेलर देखकर ही लग रहा है लोगों को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बड़े मियाँ छोटी मियाँ हिंदी प्रीमियर फुल मूवी लेकर कमेंट करना मत भूलिएगा। 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जी हाँ दोस्तों अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की लीड कास्टिंग बनी हुई जिसके सपोर्ट कर रहे पृथ्वीराज सुकुमार, मानुषी और सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ दोस्तों 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी अली अब्बास जफर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए वेट कर रहे थे तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर के बारे में। काफ़ी लंबे वक्त से बड़े मियाँ छोटी मियाँ के बारे में चर्चे हो रखा था और दोस्तों पहली बार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ कोलैबोरेशन पर काम कर रहे हैं जिसके ऑपोजिट रोल में जी हाँ दोस्तों पृथ्वीराज सुकुमार जिन्होंने सलार मूवी के अंदर एज अ ऑपोजिट रोल एज अ विलन के कैरेक्टर में उतर आए थे, इस टाइम भी वो एज अ नेगेटिव रोल नजर आ रहा है जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए। दोस्तों काफ़ी लंबी वक्त हो चुका था मूवी के प्रीमियर को लेकर और दोस्तों काफ़ी सारे लोग को इस तरह के मूवीज़ भी देखना था और हिंदी सिनेमा की ये सब मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। आज की वीडियो
हो उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इस मूवी को हिंदी पर प्रीमियर पर देखना पसंद कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे वो सब लोग के लिए ये वीडियो सबसे खास होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करके बताना मत भूलिए ताकि दोस्तों हम आप सभी को इस मूवी के रिलीज़ के बारे में जानकारी करवाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी और वन ऑफ द फाइनेस्ट कहानी के साथ बनी हुई ये मूवी के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करी है ताकि दोस्तों आप सभी को हम बताएंगे कि मूवी के प्रीमियर के साथ बड़े मियाँ छोटी मियाँ की हिंदी प्रीमियर, इस मूवी के रिलीज़ और इस मूवी के अपकमिंग डेट में रिलीज़ और ये मूवी के प्रीमियर के बारे में। दोस्तों काफ़ी लंबी वक्त हो चुका है जो कि टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार के साथ कोलैबोरेशन पर मूवी आने की बात चल रहा था, पर दोस्तों लोगों को ये सब मूवी देखने को नहीं मिल रहा था। कुछ लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे दोनों की कोलैबोरेशन पर मूवी आएगी या नहीं और मूवी के प्रीमियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे भी हो रखा था। दोस्तों रिलीज़ प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ के चर्चे होना काफ़ी अच्छी बात बनती भी है। और दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखी हो, मूवी के प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में जो कि इस मूवी के YouTube प्रीमियर पर और OTT रिलीज़ पर थिएटर रिलीज़ के बाद भी कर देंगे। और दोस्तों ये मूवी के रिलीज़ प्रीमियर क्या होगा और इस मूवी से जुड़ी सारी की सारी अपडेट आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें अप्रैल 9 पर इस मूवी को रिलीज़ करने वाले हैं थिएटर पर। दोस्तों इस मूवी का बजट है 200 करोड़ से भी ज़्यादा के बजट पर इस मूवी को बनाया गया है। मूवी प्रीमियर के साथ इस मूवी के चार्ज भी इतना ज़्यादा हो रखा है कि दोस्तों लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इस मूवी से इतनी बड़ी, एक्सपेक्टेशन करना काफ़ी बड़ी बात रहती है। और दोस्तों मूवी प्रीमियर के साथ हम आप सभी को बता चुके हैं कि ऑलरेडी काफ़ी सारी मूवी के रिलीज़ के साथ इन मूवीज़ के बारे में चर्चे भी हो रखा था और रिलीज़ प्रीमियर के साथ आप सभी को ये मूवी भी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए ताकि दोस्तों अच्छी खासी हिंदी सिनेमा की मूवी आप सभी को आसानी से भी देखने को मिल जाए। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक थ्रिलर एक्शन मूवी जिसको बजट 200 करोड़ के आसपास पर इस मूवी के बजट को बनाया गया है, जिसके बजट को लेकर लोग जो काफ़ी ज़्यादा चौंक चुके हैं मूवी के प्रीमियर और इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों काफ़ी बड़ी और काफ़ी एक्साइटिंग स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी के साथ लोग भी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे नई मूवी प्रीमियर के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों को ये सब मूवी देखना है, इस तरह की मूवी सिनेमा के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट टाइम मूवी प्रीमियर के साथ आप सभी को इस तरह की मूवी भी देखने को मिल रहा था। 2024 पर अप्रैल 9 पर इस मूवी को प्रीमियर कर दिया जाएगा, तो कि दोस्तों ये मूवी के प्रीमियर के साथ रिलीज़ और मूवी की कहानी के बारे में काफ़ी सारे चर्चे हो रखा था। एक थ्रिलर मूवी जो हाल ही में फाइटर जब रिलीज हुआ उसके साथ लोगों को काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था। फाइटर मूवी एक सक्सेसफुल मूवी बन चुका है, उसके साथ पहली बार कोलैबोरेशन पर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ काम करने के रीजन से इस मूवी को लोग देखने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर पर इंतज़ार करने के सबसे बड़े रीजन्स मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में चर्चे और इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट ही सबसे ज़्यादा आगे आता है। और दोस्तों हम भी दोस्तों आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी और अच्छी खासी मूवी के प्रीमियर के लिए इंतज़ार करवाएंगे और वो सब मूवी भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा वीडियो प्रीमियर के साथ। और काफ़ी सारी नई मूवी के रिलीज़ प्रीमियर के साथ आप सभी को अच्छी खासी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम दोस्तों बॉलीवुड पर कुछ मूवीज़ रिलीज़ में आए थे, तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उन मूवीज़ के चर्चे उतना खास नहीं हुआ था जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, उससे कम ही रह गया था मूवी के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट खेलो या फिर आप। और दूसरी बात क्योंकि दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इन मूवीज़ के चर्चे भी इतना ज़्यादा हो रखा था, रिलीज़ फिल्म के साथ मूवीज़ के बारे में कहानी और अपडेट भी काफ़ी ज़्यादा मिल गया था। हम आप सभी को बताएंगे अपकमिंग डेज में आने वाली अब काफ़ी सारी बेहतरीन और सिनेमा की मूवी के बारे में जो कि रिलीज़ फिल्म के साथ उनकी कहानियाँ भी दोस्तों काफ़ी बड़ी हो गई है। और दोस्तों आप सभी बता दें अक्षय कुमार ने पहली बार टाइगर श्रॉफ के साथ कोलैबोरेशन पर काम करने वाले हैं, जिसके प्रीमियर के बारे में लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो कि 200 करोड़ के बजट पर बनाया गया। इस मूवी को अप्रैल 9 पर थिएटर रिलीज़ करेंगे दोस्तों। OTT प्रीमियर इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर पर भी रिलीज़ करवाएंगे। अली अब्बास जफर जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस कर चुकी है, अली अब्बास जफर ने इससे पहले सुल्तान 2016 की सबसे पॉपुलर मूवी और 2019 की भारत, 2017 की टाइगर जिंदा है जैसी मूवी को इन्होंने ही डायरेक्ट किया था, जिनमें से 2023 की जो कि वेब मूवी ब्लडी डैडी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। इतनी पॉपुलर मूवी के डायरेक्टर के साथ इन्होंने इस टाइम बड़े मियाँ छोटी मियाँ जो कि एक बेहतरीन जो कि 90s की मूवीज़ के नाम से इन्होंने एक्शन थ्रिलर मूवी को हायर कर रहे हैं और उन्होंने बता रहे हैं कि इस टाइम इन्होंने बड़ी मूवी को हाथ रखे है जिसके प्रीमियर के साथ लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आप सभी को इस वीडियो को
लाइक करना है तो दोस्तों आप लोगों ने लाइक करिए और बताइए अपकमिंग डेज में आने वाले इस मूवी को देखने के लिए कौन कौन लोग ज़्यादा एक्साइटेड है। दोस्तों इस मूवी के प्रीमियर के साथ आप सभी को कौन सी मूवी देखना है आप हमें कमेंट करना मत भूलिए। तो दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ सर की कुछ मूवीज बैक टू बैक फ्लॉप होने के बाद इस टाइम अक्षय कुमार ने उनको लेकर बड़ी मूवी अली हाफिज जबर ने इतनी हाईएस्ट बजट के साथ मूवी को बनाया, जो कि इस मूवी के बजट ही दोनों ही एक्टर को पेड करने में लगा है, जिसकी रीजन से थ्रिलर मूवी भी सबसे ज्यादा बजट पर बना है। और इस टाइम जो कि इतने लंबे वक्त के बाद बड़े एक्टर्स को एक ही साथ लेके आना और इन मूवीज के प्रीमियर पर रिलीज कर देना काफी बड़ी बात रहती है। और दोस्तों हम आप सभी को बता दें दोस्तों इस मूवी के सबसे बड़ी चांसेस और रिलीज फिल्म के बाद ये मूवी के किरदार और इस मूवी के कहानी की रीजन से सोनाक्षी सिन्हा को भी इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में लेके आया है। काफ़ी लंबे वक्त के बाद सोनाक्षी सिन्हा को मूवीज़ के अंदर आप देख पा रहे हो, उनकी कुछ मूवीज़ रिलीज में आने के बावजूद भी उतना ज़्यादा खास नहीं चल रहे थे और उनकी मूवीज़ के ऑफर भी कम आने लगे थे, जिसके रीज़न से सोनाक्षी सिन्हा की मूवी कम हो रहे थे। हम आप सभी को बता दें अली अब्बास जफर जिन्होंने टाइगर जिंदा है सुल्तान जैसी ऑल टाइम हाईएस्ट रिकॉर्ड मूवी को बनाया है, जिसके रीज़न से बड़े मियाँ छोटे मियाँ जब प्रीमियर करेंगे 9 अप्रैल पर इस मूवी को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रहे। दोस्तों आपसे बता दें इस मूवी को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज करेंगे। यशराज फिल्म्स और PVR इनवॉक्स पिक्चर्स ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाग्राफी और मैरकिन लैक्वेंस ने किया है और इस मूवी के अंदर दोनों एक्टर की लीड कास्टिंग इक्वल रहेगी। जी हाँ दोस्तों, एक थ्रिलर मूवी होने के रीज़न से इस मूवी के अंदर हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी कहानी कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों पिछले टाइम रिलीज प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ के सबसे ज़्यादा चर्चा होने के सबसे बड़े रीजंस मूवी की कहानी रही थी और मूवी कहानी कॉन्सेप्ट के साथ मूवी को प्रीमियर कर दिया जा रहा है। बड़े मियाँ छोटी मियाँ जब 9 अप्रैल पर रिलीज कर दिया जाएगा उसी वक्त से मूवी के नई कहानी कॉन्सेप्ट भी अपडेट में आया जाएगा और लोगों को अच्छी खासी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। आप हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए मूवी प्रीमियर के साथ हम आप सभी को बड़ी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी प्रीमियर करवाएंगे। और दोस्तों अक्षय कुमार ने हीरा फेरी की तीसरी सीक्वल की फाइनल शूटिंग कंप्लीट करवा चुके हैं और इन्होंने 2024 के अप्रैल पर इस मूवी की लीड कास्टिंग के बाद एंडिंग तक उनको हीरा फेरी की तीसरी सीक्वल देखने को मिल जाएगा। बैक टू बैक मूवी फ्लॉप के बाद उन्होंने उतनी खास बड़ी मूवी के अंदर काम करना ही छोड़ दिया था, जैसे कि लोगों ने एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके साथ नई मूवी के प्रीमियर के लिए। पर दोस्तों ये सब बात रुक चुका है और बैक टू बैक उन्होंने एक साल के अंदर 10 मूवी करने के रीजन से उनकी मूवीज़ को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतना खास रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। हम आप सभी को बताना चाहेंगे दोस्तों बड़े मियाँ छोटी मियाँ जो कि रिलीज प्रीमियर के साथ इस मूवी के एक्शन थ्रिलर सीन्स और ट्रेलर की जो TRP इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके रीज़न से लोग इस मूवी की हिंदी प्रीमियर पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस मूवी के किरदार को लोग इंतजार कर सकते हैं। इसकी बड़ी बात इस मूवी की हिंदी प्रीमियर की सबसे बड़ी बात है, ऑलरेडी रिलीज हुई गोविंदा और अमिताभ बच्चन की कास्टिंग पर बनी हुई एक पुलिस की मूवी रही थी, पर दोस्तों ये कुछ अलग ही किरदार पर बनने वाली रीमेक मूवी नहीं है। इस मूवी की कहानी कुछ अलग ही किरदार पर बनने वाली रहेगी है और लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए। दोस्तों मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप लोगों ने इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी के हिंदी सिनेमा के लिए इंतजार कर रहे थे तो दोस्तों ईद पर इस मूवी को रिलीज़ करने के बाद चल रहे थे और फिल्मी अपडेट और काफ़ी सारे लोग इस तरह के मूवी प्रीमियर के लिए भी इंतजार कर रहे हैं। हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहेंगे मूवी प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ को दिखाने के लिए और रिलीज प्रीमियर के साथ ये सब मूवी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रखा है। पूजा एंटरटेनमेंट्स और काफ़ी सारे प्रोड्यूसर लोग ने इस मूवी को प्रीमियर कर दिया जा चुका है और ऑफिशियली इस मूवी को जब प्रीमियर कर दिया जाएगा तभी इस मूवी के चर्चे इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस टाइम हिंदी सिनेमा की ये सब मूवी देखने को मिलना और इस तरह की मूवीज़ के बारे में चर्चा होना काफ़ी अच्छी बात ही है कि दोस्तों मूवी लवर्स के लिए इस टाइम इतनी खास और इतनी अच्छी मूवी देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आप सभी को ये सिनेमा की मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है जो ईद पर रिलीज़ करने के बाद चल रहे थे। बाद में दोस्तों इस मूवी के बारे में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी आए और इस मूवी के जब टीजर को रिलीज़ कर दिया इतनी बड़ी एक्साइटिंग स्टोरी कंसेप्ट बेस्ड मूवी बन चुकी है। दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों को ये मूवी फुल HD पर देखना है, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे तो दोस्तों ये वीडियो सबसे पहले आप सभी को होने वाला है और इतनी बड़ी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी के साथ आप सभी को ये मूवी देखने को मिल रहा है, जिसका सबसे बड़ी श्रेय और इस मूवी के रिलीज़ के रीज़न जाता है इस मूवी के कास्टिंग को ही। और इस मूवी के कास्टिंग जो इतने बड़े एक्टर्स को एक ही साथ कोलैबोरेशन पर लेकर बनाया है, जो कि लोग इस मूवी को देखकर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने 500 करोड़ से भी ज़्यादा के कलेक्शन
कलेक्शन ज़रूर करेगा। काफ़ी सारे लो बजट मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 400 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन देखने के बाद लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्रेलर देखकर ही लग रहा है लोगों को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट में सर बड़े मियाँ छोटी मियाँ हिंदी प्रीमियर फुल मूवी लेकर कमेंट करना मत भूलिएगा। 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की लीड कास्ट में बनी हुई, जिसके सपोर्ट कर रहे पृथ्वीराज सुकुमार, मानुषी और सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी अली अब्बास जफर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए वेट कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर के बारे में। काफ़ी लंबे वक्त से बड़े मियाँ छोटी मियाँ के बारे में चर्चे हो रखा था, और दोस्तों पहली बार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ कोलैबोरेशन पर काम कर रहे हैं, जिसके ऑपोजिट रोल में, जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज सुकुमार, जिन्होंने सलार मूवी के अंदर एज ऑपोजिट रोल एज ए विलन के कैरेक्टर में वो उतर आए थे, इस टाइम भी वो एक जो नेगेटिव रोल नज़र आ रहा है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए। दोस्तों काफ़ी लंबी वक्त हो चुका था मूवी के प्रीमियर को लेकर, और दोस्तों काफ़ी सारे लोग को इस तरह के मूवीज़ भी देखना था और हिंदी सिनेमा की ये सब मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। आज की वीडियो उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है, जिन लोगों ने इस मूवी को हिंदी पर प्रीमियर पर देखना पसंद कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे, वो सब लोग के लिए ये वीडियो सबसे खास होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके बताना मत भूलिए, ताकि दोस्तों हम आप सभी को इस मूवी के रिलीज के बारे में जानकारी करवाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी और वन ऑफ द फाइनेस्ट कहानी के साथ बनी हुई ये मूवी के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए, ताकि दोस्तों आप सभी को हम बताएंगे कि मूवी के प्रीमियर के साथ बड़े मियाँ छोटी मियाँ की हिंदी प्रीमियर, इस मूवी के रिलीज और इस मूवी के अपकमिंग डेट में रिलीज और ये मूवी के प्रीमियर के बारे में। दोस्तों काफ़ी लंबी वक्त हो चुका है जो कि टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार के साथ कोलैबोरेशन पर मूवी आने की बात चल रहा था, पर दोस्तों लोगों को ये सब मूवी देखने को नहीं मिल रहा था। कुछ लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे दोनों की कोलैबोरेशन पर मूवी आएगी या नहीं, और मूवी के प्रीमियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे भी हो रखा था। दोस्तों रिलीज़ प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ के चर्चे होना काफ़ी अच्छी बात बनती भी है। और दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखी हो, मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में, जो कि इस मूवी के यूट्यूब प्रीमियर पर और OTT रिलीज पर थिएटर रिलीज के बाद भी कर देंगे। और दोस्तों ये मूवी के रिलीज़ प्रीमियर क्या होगा और इस मूवी से जुड़ी सारी की सारी अपडेट आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों आपसे भी बता दें, April 9 पर इस मूवी को रिलीज़ करने वाले हैं थिएटर पर। दोस्तों इस मूवी का बजट 200 करोड़ से भी ज़्यादा के बजट पर इस मूवी को बनाया गया है। मूवी प्रीमियर के साथ इस मूवी के चर्चे भी इतना ज़्यादा हो रखा है कि दोस्तों लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इस मूवी से, इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन करना काफ़ी बड़ी बात रहती है। और दोस्तों मूवी प्रीमियर के साथ हम आप सभी को बता चुके हैं कि ऑलरेडी काफ़ी सारी मूवी के रिलीज़ के साथ इन मूवीज़ के बारे में चर्चे भी हो रखा था, और रिलीज़ प्रीमियर के साथ आप सभी को ये मूवी भी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए, ताकि दोस्तों अच्छी खासी हिंदी सिनेमा की मूवी आप सभी को आसानी से भी देखने को मिल जाए। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक थ्रिलर एक्शन मूवी, जिसको बजट 200 करोड़ के आसपास पर इस मूवी के बजट को बनाया गया है, जिसके बजट को लेकर लोग जो काफ़ी ज़्यादा चौंक चुके हैं मूवी के प्रीमियर और इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों काफ़ी बड़ी और काफ़ी एक्साइटिंग स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी के साथ लोग भी ज़्यादा इंतजार कर रहे थे नई मूवी प्रीमियर के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों को ये सब मूवी देखना है, इस तरह की मूवी सिनेमा के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट टाइम मूवी प्रीमियर के साथ आप सभी को इस तरह की मूवी भी देखने को मिल रहा था। 2024 पर April 9 पर इस मूवी को प्रीमियर कर दिया जाएगा, तो कि दोस्तों ये मूवी के प्रीमियर के साथ रिलीज़ और मूवी की कहानी के बारे में काफ़ी सारे चर्चे हो रखा था। एक थ्रिलर मूवी जो हाल ही में फाइटर जब रिलीज हुआ, उसके साथ लोगों को काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था। फाइटर मूवी एक सक्सेसफुल मूवी बन चुका है, उसके साथ पहली बार कोलैबोरेशन पर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ काम करने के रीजन से इस मूवी को लोग देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर पर इंतजार करने के सबसे बड़े रीजन्स मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में चर्चे और इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट ही सबसे ज़्यादा आगे आता है। और दोस्तों हम भी दोस्तों आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी और अच्छी खासी मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार करवाएंगे, और वो सब मूवी भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा वीडियो प्रीमियर के साथ, और काफ़ी सारी नई मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ आप सभी को अच्छी खासी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम दोस्तों
बॉलीवुड पर कुछ मूवीज़ रिलीज में आए थे तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उन मूवीज़ के चार्ट से उतना खास नहीं हुआ था जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, उससे कम ही रह गया था मूवी के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कह लो या फिर आप और दूसरी बात, क्योंकि दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इन मूवीज़ के चार्ट से भी इतना ज़्यादा हो रखा था। रिलीज फिल्म के साथ मूवीज़ के बारे में कहानी और अपडेट भी काफ़ी ज़्यादा मिल गया था। हम आप सभी को बताएंगे अपकमिंग डेज में आने वाली अब काफ़ी सारी बेहतरीन और सिनेमा की मूवी के बारे में, जो कि रिलीज फिल्म के साथ उनकी कहानियाँ भी दोस्तों काफ़ी बड़ी हो गई है। और दोस्तों आप सभी बता दें अक्षय कुमार ने पहली बार टाइगर श्रॉफ के साथ कोलैबोरेशन पर काम करने वाले हैं, जिसके प्रीमियर के बारे में लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जो कि 200 करोड़ के बजट पर बनाया गया, इस मूवी को अप्रैल 9 पर थिएटर रिलीज करेंगे दोस्तों। OTT प्रीमियर इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर पर भी रिलीज़ करवाएंगे। अली अब्बास जफर, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस कर चुकी है, अली अब्बास जफर ने इससे पहले सुल्तान 2016 की सबसे पॉपुलर मूवी और 2019 की भारत, 2017 की टाइगर जिंदा है जैसी मूवी को इन्होंने ही डायरेक्ट किया था, जिनमें से 2023 की जो कि वेब मूवी ब्लडी डैडी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। इतनी पॉपुलर मूवी के डायरेक्टर के साथ इन्होंने इस टाइम बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो कि एक बेहतरीन जो कि 90s की मूवीज़ के नाम से इन्होंने एक्शन थ्रिलर मूवी को हायर कर रहे हैं, और उन्होंने बता रहे हैं कि इस टाइम इन्होंने बड़ी मूवी को हाथ रखे है, जिसके प्रीमियर के साथ लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना है तो दोस्तों आप लोगों ने लाइक करिए और बताइए अपकमिंग डेज में आने वाले इस मूवी को देखने के लिए कौन कौन लोग ज़्यादा एक्साइटेड है। दोस्तों इस मूवी के प्रीमियर के साथ आप सभी को कौन सी मूवी देखना है आप हमें कमेंट करना मत भूलिए। तो दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ सर की कुछ मूवीज़ बैक टू बैक फ्लॉप होने के बाद इस टाइम अक्षय कुमार ने उनको लेकर बड़ी मूवी अली अफज जबर ने इतनी हाईएस्ट बजट के साथ मूवी को बनाया, जो कि इस मूवी के बजट ही दोनों ही एक्टर को पेड़ करने में लगा है, जिसके रीज़न से थ्रिलर मूवी भी सबसे ज़्यादा बजट पर बना है। और इस टाइम जो कि इतने लंबे वक्त के बाद बड़े एक्टर्स को एक ही साथ ले के आना और इन मूवीज़ के प्रीमियर पर रिलीज़ कर देना काफ़ी बड़ी बात रहती है। और दोस्तों हम आप सभी को बता देते हैं दोस्तों इस मूवी के सबसे बड़ी चांसेस और रिलीज फिल्म के साथ बात ये मूवी के किरदार और इस मूवी के कहानी के रीजन से सोनाक्षी सिन्हा को भी इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में लेके आया है। काफ़ी लंबे वक्त के बाद सोनाक्षी सिन्हा को मूवीज़ के अंदर आप देख पा रहे हो, उनकी कुछ मूवीज़ रिलीज में आने के बावजूद भी उतना ज़्यादा खास नहीं चल रहे थे और उनकी मूवीज़ के ऑफर भी कम आने लगे थे, जिसके रीजन से सोनाक्षी सिन्हा की मूवी कम हो रहे थे। हम आप सभी को बता दें अली अब्बास जफर जिन्होंने टाइगर जिंदा है सुल्तान जैसी ऑल टाइम हाईएस्ट रिकॉर्ड मूवी को बनाया है, जिसके रीजन से बड़े मियाँ छोटे मियाँ जब प्रीमियर करेंगे अप्रैल 9 पर, इस मूवी को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आपसे बता दें इस मूवी को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज कर देंगे। यशराज फिल्म्स और PVR इनवर्क्स पिक्चर्स ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, सिनेमाग्राफी और मैरकिंस लेकुंस ने किया है, और इस मूवी के अंदर दोनों एक्टर की लीड कास्टिंग इक्वल रहेगी। जी हाँ दोस्तों, एक थ्रिलर मूवी होने के रीजन से इस मूवी के अंदर हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी कहानी कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों पिछली टाइम रिलीज फिल्म के साथ इन मूवीज़ के सबसे ज़्यादा चर्चे होने के सबसे बड़े रीजंस मूवी की कहानी रही थी, और मूवी कहानी कॉन्सेप्ट के साथ मूवी को प्रीमियर कर दिया जा रहा है। बड़े मियाँ छोटी मियाँ जब अप्रैल 9 पर रिलीज़ कर दिया जाएगा, उसी वक्त से मूवी के नई कहानी कॉन्सेप्ट भी अपडेट में आ जाएगा और लोगों को अच्छी खासी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। आप हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए मूवी प्रीमियर के साथ, हम आप सभी को बड़ी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी प्रीमियर करवाएंगे। और दोस्तों अक्षय कुमार ने हीरा फेरी की तीसरी सीक्वल की फाइनल शूटिंग कंप्लीट करवा चुके हैं, और इन्होंने 2024 के अप्रैल पर इस मूवी की लीड कास्टिंग के बाद एंडिंग तक उनको हीरा फेरी की तीसरी सीक्वल देखने को मिल जाएगा। बैक टू बैक मूवी फ्लॉप के बाद उन्होंने उतनी खास बड़ी मूवी के अंदर काम करना ही छोड़ दिया था, जैसे कि लोगों ने एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके साथ नई मूवी के प्रीमियर के लिए, पर दोस्तों ये सब बात रुक चुका है। और बैक टू बैक उन्होंने एक साल के अंदर 10 मूवी करने के रीजन से उनकी मूवीज़ को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतना खास रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि दोस्तों बड़े मियाँ छोटी मियाँ जो कि रिलीज प्रीमियर के साथ इस मूवी के एक्शन थ्रिलर सीन्स और ट्रेलर की जो TRP इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके रीजन से लोग इस मूवी की हिंदी प्रीमियर पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस मूवी के किरदार को लोग इंतजार कर सकते हैं। इसकी बड़ी बात इस मूवी की हिंदी प्रीमियर की सबसे बड़ी बात है, ऑलरेडी रिलीज हुई गोविंदा और अमिताभ बच्चन की कास्टिंग पर बनी हुई एक पुलिस की मूवी रही थी, पर दोस्तों ये कुछ अलग ही किरदार पर बनने वाली रीमेक मूवी नहीं है। इस मूवी की कहानी कुछ अलग ही किरदार पर बनने वाली रहेगी है और लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए। दोस्तों मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप लोगों ने इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी के हिंदी सिनेमा के लिए इंतजार कर रहे थे,
तो दोस्तों ईद पर इस मूवी को रिलीज़ करने के बाद चल रहे थे और फिल्मी अपडेट और काफ़ी सारे लोग इस तरह के मूवी प्रीमियर के लिए भी इंतज़ार कर रहे हैं। हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहेंगे मूवी प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ को दिखाने के लिए और रिलीज़ प्रीमियर के साथ ये सब मूवी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रखा है। पूजा एंटरटेनमेंट्स और काफ़ी सारे प्रोड्यूसर लोग ने इस मूवी को प्रीमियर कर दिया जा चुका है और ऑफिशियली इस मूवी को जब प्रीमियर कर दिया जाएगा तभी इस मूवी के चर्चे इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस टाइम हिंदी सिनेमा की ये सब मूवी देखने को मिलना और इस तरह की मूवीज़ के बारे में चर्चा होना काफ़ी अच्छी बात ही है कि दोस्तों मूवी लवर्स के लिए इस टाइम इतनी खास और इतनी अच्छी मूवी देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आप सभी को ये सिनेमा की मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है जो ईद पर रिलीज़ करने के बाद चल रहे थे। बाद में दोस्तों इस मूवी के बारे में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी आई और इस मूवी के जब टीजर को रिलीज़ कर दिया इतनी बड़ी एक्साइटिंग स्टोरी कंसेप्ट बेस्ड मूवी बन चुकी है। दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों को ये मूवी फुल एचडी पर देखना है इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे तो दोस्तों ये वीडियो सबसे पहले आप सभी को होने वाला है और इतनी बड़ी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी के साथ आप सभी को ये मूवी देखने को मिल रहा है जिसका सबसे बड़ी श्रेय और इस मूवी के रिलीज़ के रीज़न जाता है इस मूवी के कास्टिंग को ही और इस मूवी के कास्टिंग जो इतने बड़े एक्टर्स को एक ही साथ कोलैबोरेशन लेकर बनाया है जो कि लोग इस मूवी को देखकर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने 500 करोड़ से भी ज़्यादा के कलेक्शन जरूर करेगा। काफ़ी सारे लो बजट मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 400 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन देखने के बाद लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्रेलर देखकर ही लग रहा है लोगों को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में सर बड़े मियाँ छोटी मियाँ हिंदी प्रीमियर फुल मूवी लेकर कमेंट करना मत भूलिएगा। 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जी हाँ दोस्तों अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की लीड कास्ट में बनी हुई जिसके सपोर्ट कर रहे पृथ्वीराज सुकुमार, मानुषी और सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ दोस्तों 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी अली अब्बास जफर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए वेट कर रहे थे तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर के बारे में। काफ़ी लंबे वक्त से बड़े मियाँ छोटी मियाँ के बारे में चर्चा हो रखा था और दोस्तों पहली बार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ कोलैबोरेशन पर काम कर रहे हैं जिसके ऑपोजिट रोल में जी हाँ दोस्तों पृथ्वीराज सुकुमार जिन्होंने सलार मूवी के अंदर एज ऑपोजिट रोल एज ए विलन के कैरेक्टर में उतर आए थे इस टाइम भी वो एज अ नेगेटिव रोल नजर आ रहा है जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए। दोस्तों काफ़ी लंबी वक्त हो चुका था मूवी के प्रीमियर को लेकर और दोस्तों काफ़ी सारे लोग को इस तरह के मूवीज़ भी देखना था और हिंदी सिनेमा की ये सब मूवी के प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। आज की वीडियो उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इस मूवी को हिंदी पर प्रीमियर पर देखना पसंद कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे वो सब लोग के लिए ये वीडियो सबसे खास होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करके बताना मत भूलिए ताकि दोस्तों हम आप सभी को इस मूवी के रिलीज़ के बारे में जानकारी करवाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी और वन ऑफ द फाइनेस्ट कहानी के साथ बनी हुई ये मूवी के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करी है ताकि दोस्तों आप सभी को हम बताएंगे कि मूवी के प्रीमियर के साथ बड़े मियाँ छोटी मियाँ की हिंदी प्रीमियर, इस मूवी के रिलीज और इस मूवी के अपकमिंग डेट में रिलीज और ये मूवी के प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों काफ़ी लंबी वक्त हो चुका है जो कि टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार के साथ कोलैबोरेशन पर मूवी आने की बात चल रहा था पर दोस्तों लोगों को ये सब मूवी देखने को नहीं मिल रहा था। कुछ लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे दोनों की कोलैबोरेशन पर मूवी आएगी या नहीं और मूवी के प्रीमियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे भी हो रखा था। दोस्तों रिलीज़ प्रीमियर के साथ इन मूवीज़ के चर्चे होना काफ़ी अच्छी बात बनती भी है। और दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखी हो